Raja. भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आपको आज के विशेष दिन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इसके बाद हम हमारा ये जो समारोह है उसकी शुरुआत करेंगे। आज हमारे इस समारोह के जो अध्यक्ष है धर्माचारी विवेक रत्न जी, खास करके आज हम हमारे दो विशेष अतिथियों को डॉक्टर अंबेडकर प्रबुद्ध भारत शांति पुरस्कार देकर नवाजने वाले हैं। तो उनमें से डॉक्टर आह साणुंके जी अपने तबीयत के कारण यहाँ नहीं आ सके, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके सुपुत्र यहाँ पर उपस्थित है, प्राध्यापक राकेश साळुंके सर। और हम कोशिश कर रहे थे बनते नागार्जुन सुरई ससाई यहाँ पर आने की, लेकिन पिछले दो दिन तीन तक दौड़ धूप के कारण कल रात में उनको बुखार आया, तो उन्होंने भी आज यहाँ आने में अपनी असमर्थता जताई है। उससे हमें थोड़ा दुख है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उनकी जो उम्र है उसके बारे में हम भी उतने संवेदनशील होने चाहिए। विशेषकर डॉक्टर विमल जी थोरात है और अपने इस आंदोलन के भारत के जिन्हें हम प्रणेता कहते हैं, और खासकर इस नागलोक प्रकल्प के जो संस्थापक है धर्माचारी लोकमित्र जी, यहाँ पर भंते आयुपाल जी उपस्थित है। खास करके हमारे साथ यहाँ विनोद जी पहाड़ी लिम्बुनी, वहाँ के वो MP है, वो भी आज हमारे इस समारोह में यहाँ उपस्थित है। और दूसरे उनके बाजू में जो बैठे हुए अर्जुन श्रेष्ठा, नया भावना दैनिक के वो संपादक है, बुतवल नेपाल से है। हमारे इस नागार्जुन प्रशिक्षण संस्था का जो शिक्षा विभाग है उसके निदेशक धर्माचारी मैत्रीवीर जी, मणिधम्म और मोक्ष सारा, यहाँ पर उपस्थित सभी धर्माचारी धर्माचारिणी और आप सभी अपने जो मेहमान हैं, मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और अपने परंपरा की तहत अपने इस समारोह की जो शुरुआत है, हम जो हमारे आदर्श है तथागत भगवान बुद्ध और बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, इनकी प्रतिमाओं को पुष्प दीप और दीप अर्पण करके और पूजा पठन से शुरुआत करेंगे। तो मैं सभी आदरणीय अतिथियों को अनुरोध करता हूँ कि वो सामने आकर यह पूजा स्थान को अपने अर्पण विधि अर्पित करें।
ब्रह्मचारिणी नित्यश्री और उनका जो चमू है उनको अनुरोध करता हूँ यहाँ आकर वो पूजा पठन करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। और आप सभी का इस बुद्ध सूर्य विहार में स्वागत करती हूँ। हम वंदना पठन की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो जस्ट अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और हमारे आदर्शों को याद करना है। और मेरे साथ में आप सभी को इस वंदना सूक्त पठन में मेरा सहयोग करना है। त्रिशरण पंचशील। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि, द्वितीयं विबुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं विधम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं विसंगं शरणं गच्छामि, तृतीयं विबुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं विधम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं विसंगं शरणं गच्छामि। सकारात्मक पंचशील। पहले मैं कहूंगी, मेरे पीछे पीछे आप सभी को दोहराना है, मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ, मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ, शांति सादगी
तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। सत्यतापूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करती हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रख कर मैं अपने मन को शुद्ध करती हूँ। बुद्ध पूजा वर्णगंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस सिरिपाद सरोरुहे पूजेमि भूतं कुसुमे सभी का धन्यवाद। मानवता के हक दिलवा कर जीवन का जो दिया शिक्षा देकर भी मन हमको मुक्ति का वरदान दिया शिक्षा देकर भी मन हमको मुक्ति का जो दान दिया शिक्षा देकर जीवन हमको मुक्ति का वरदान दिया शिक्षा देकर जीवन हमको मुक्ति का वरदान दिया। बिखरे हुए नव कोटि जनों को एकता की संघटना दी शिल्पकार बने भारत के भारत को महत्तम घटना दी भारत
क्रोधामृत पिलवा कर चिंतन और मन में कागान दिया और मन में कागान दिया और मन में कागान दिया पल से न जग को पल से न जग को प्रेम से जी तो ऐसा उत्तम ज्ञान दिया दीक्षा दे कर जो दान दिया दीक्षा दे कर मुक्ति का वरदान दिया दीक्षा दे कर मुक्ति का वरदान दिया दीक्षा दे कर मुक्ति का वरदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों चमू को। जैसे नित्यश्री और उनके चमू ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें गाथा पठन से यहाँ वातावरण निर्मित के लिए सहायता की है, वैसे ही हमारा जो संगीत चमू है उन्होंने एक भीमगीन गाकर हमें उस दिन की याद दिलाई है। जैसे हम सुबह से यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही लोग यहाँ आते हैं तो हम एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं जय भीम से, और उसी के साथ साथ धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की शुभकामनाएं देते हैं। खासकर यहां सालों से ये सिलसिला जो है वो हम देखते हैं, देख रहे हैं। इस बार 2 साल के अवकाश के पश्चात दीक्षा भूमि, नागलोक या अन्य ड्रैगन पैलेस जगह जगह पे कार्यक्रम हो रहे हैं। लोगों में बड़ा उत्साह है, जज्बा दिख रहा है, सभी जगह भीड़ है। ये वही दिन है आज से 66 साल पहले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने धम्मचक्र प्रवर्तित किया है, धम्मचक्र प्रवर्तन किया है। ना तो उन्होंने केवल अपने अनुयायियों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, बल्कि जो बुद्ध धम्म अपने ही भूमि से कई सदियों तक यहां से नष्ट किया गया था उसका पुनरुत्थान किया है, उसका पुनर्जन्म हुआ एक तरह से, और इसी को हम देखते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन करके। ये ऐसा ना हो कि यह सिलसिला सालों तक जारी रहे और हमारा उसको मनाना भी एक यांत्रिक बन जाए, एक मशीन की तहत बन जाए, हम केवल जस्ट शामियाना बनाए, लोगों को बुलाए, लोगों से सुने और दूसरे दिन से बातें ऐसी ही चलती रहे। हमें कुछ याद भी करना है, जैसे कि हमने ये जो पत्रिका बनाई यहां की, उसमें हमें लगा कि बाबा साहब ने उस समय क्या बताया था वो हमें याद आने के लिए एक बार उसको दोबारा दोहराए। वो शायद मराठी में है, बौद्ध धम्माच्या दृष्टीने भारताची भूमी सध्या शून्यवत आहे, म्हणून आपण उत्तम रीतीने धम्म पाळण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। हे आपल्याला साधले तर आपण आपल्या बरोबरच देशाचा, इतकेच नव्हे तर जगाचाही उद्धार करू, कारण बौद्ध धम्मानेच जगाचा उद्धार होणार आहे। भैया और बहनों, इस 4 पंक्तियों में मानो कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने मानो अपनी पूरी दृष्टि केवल अपना समाज नहीं, केवल भारत देश नहीं, बल्कि ये पूरा जो संसार है उस संसार का जो परिवर्तन है, उद्धार है, वो करने की क्षमता, ताकत, पोटेंशियल बुद्ध धम्म में है, और वो हमारी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, ये उनकी बात उस दिन की थी। खैर, अभी हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अपने मेहमानों का हम यहाँ स्वागत करने वाले हैं।
तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि यहाँ पर बंते जी नहीं आ पाए हैं, तो हम उनके प्रतिनिधि का इंतजार कर रहे हैं। जब वो आएंगे तो हम उनको उनका स्वागत और उनका जो पुरस्कार है वो देने वाले हैं। दूसरे जो हमारे मेहमान थे साळुंके सर, तो साळुंके सर जो है उनके पुत्र यहाँ पर आए हैं, उनका जो अवार्ड है वो हम बाद में देने वाले हैं। लेकिन शुरुआत में एक पुष्प गुलदस्ता देकर हमारे आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष है विवेक रत्न जी, वो उनका स्वागत करेंगे। नित्य श्री उसके पश्चात हमारे साथ यहाँ और एक मेहमान है बंते जी, आयुपाल जी जो बर्मा से है, तो उनका स्वागत करने के लिए मैं धम्मचारी मणिधम्म जी को अनुरोध करता हूँ कि वो शॉल और एक गुलदस्ता देकर वो बंते जी का स्वागत करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ आज के प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर विमल जी थोरात है। मैं धम्मचारिणी नित्यश्री को अनुरोध करता हूँ कि उनका स्वागत किए। इसके बाद हम एक विशेष स्वागत करने वाले थे। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा है कि धम्मचारी लोकमित्र जी जो हमारे भारत के आंदोलन के प्रणेता है, इस नागलोक के वो निर्माता है, और एक विशेष बात है कि अभी अभी 10 सितंबर को उन्होंने अपने उम्र के 75 साल पूरे किए हैं। वैसे तो उनकी एक बड़ी सालगिरह और उन्होंने जो ये पुण्य कर्म किया है पिछले 44 साल से अपने आंदोलन के लिए, उसका एक गुणगौरव समारोह हम नागपुर में करना चाहते हैं। लेकिन आज इस अवसर पर उन्हें हम शाल, एक गुलदस्ता और यहाँ का जो पूरा स्टाफ और जो हमारे छात्र है, इन्होंने उनकी भावना व्यक्त करने के लिए अपने हाथों से एक कार्ड बनाया है, वो अर्पण करेंगे। तो ये विवेक रत्न जी, मैत्रीवीर है, सुवीर्य, प्रज्ञा रत्न, शाक्य वज्री, राजकुमार, जो भी हमारे मेंबर है स्टाफ के, वो सामने आकर इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। मैं लोकमित्र को थोड़ा तकलीफ देना चाहता हूँ कि वो टेबल के सामने आकर इसका स्वीकार करें। गुलदस्ता दे दो आप, गुलदस्ता दे दो। शाक्य वज्री आप कार्ड दे दो, कार्ड दे दो। इसके बाद मैं मैत्रीवीर को अनुरोध करूंगा कि वो अपने दो दो मेहमान हैं विनोद जी पहाड़ी और अर्जुन श्रेष्ठा, इनको भी गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करें।
हमारे एक और अतिथि है एमएसएबी के प्रमुख अनिल घोलप जी। मैं विवेक रत्न जी को अनुरोध करता हूँ कि उनका भी एक गुलदस्ता देकर स्वागत किया जाए। हमारी छात्रा कृष्णा प्रभा, इसको मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष है विवेक रत्न जी, इनको एक गुलदस्ता देकर उनका स्वागत हो करेगी। ब्रह्मचारिणी शाक्य वज्री को अनुरोध करता हूँ कि एक गुलदस्ता देकर मैत्रीवीर जी का वो स्वागत करेगी। इसके पश्चात हमारी जो दूसरी छात्रा है महिमा चकमा, वो मणिधम्म जी का स्वागत करेगी। और इसके पश्चात दूसरी छात्रा जीना, उनको मैं अनुरोध करता हूं कि वो मोक्ष सारा जी का स्वागत करें। भाई और बहनों, ये स्वागत का जो समारोह होता है हमेशा बहुत ही आनंददायी ऐसा होता है, लेकिन हमारा समय देखते हुए हमें उसको रोकना चाहिए। जैसे अतिथियों का स्वागत किया है, वैसे ही आप यहाँ सब जो बैठे हुए भाई बहन हमारे छात्र है, आप सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इसके पश्चात मैं मणिधम्म जी को अनुरोध करूँगा कि संक्षिप्त में आज का प्रास्ताविक और नागार्जुन प्रशिक्षण संस्था का जो कार्य है उसका जो ब्यौरा है वो यहाँ पर वो प्रस्तुत करें। मणिधम्म जी, सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय धर्मचारी विवेक रत्न जी, इस कार्यक्रम के प्रमुख मेहमान आदरणीय धर्मचारी लोकमित्र जी, डॉक्टर विमलताई थोराज जी, और बहुत सारे हमारे जो गेस्ट आए हैं अलग अलग जगह से, नेपाल से विनोद पहाड़ी जी है, आयुष्मान अर्जुन श्रेष्ठी जी है, बर्मा से वेनरेबल आयुक्त वालो थेरो जी है, साथ ही साथ हमारे नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर मैत्रीवीर नागार्जुन, तथा बाकी और भी मंच पर बैठे गेस्ट, धम्माचारी धम्माचारिणीगण और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये जो दिन है बहुत ही खुशी का दिन है। मैं 3-4 दिन से नागपुर में घूम रहा था, सब तरफ देख रहा था, नागपुर बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ है, और 3 साल के बाद में जिधर देखो उधर लोग दिख रहे हैं सफ़ेद कपड़े में और पंचशील झंडे लगे हुए हैं। तो आज हम खास करके ये जो 66वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन मना रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है इसी नागपुर में, उसकी 66वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। तो ये खुशी का जो समारोह है हम सभी के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो आज उपस्थित है हमारे लिए वो विशेष है। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो कारण ये है कि नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, इनकी तरफ से ये जो कार्य चल रहा है धम्म प्रचार प्रसार का, उसके बारे में आपको मुझे बताने की खुशी हो रही है। साथ ही साथ आदरणीय धम्मचारी लोकमित्र जी जो हमारे बीच में इस कार्यक्रम में है, उनका अभी अभी 75वां जन्मदिन हमने मनाया है और मना रहे हैं और वो मनाते रहेंगे। तो भाई और बहनों, बहुत बार लोग कहते हैं कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ जो है वो बाबा साहब का कार्य नहीं करता है, या लोगों को लगता है कि ये एक अलग प्रकार का महायान पढ़ाते हैं, ऐसी एक टीका होती रहती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म के बारे में विचार रखे हैं, उन्हीं विचारों के ऊपर ये कार्य चल रहा है, और इसके लिए हम अगर बाबा साहब के ग्रंथों का अभ्यास करते हैं तो उसमें इनके हमें सबूत मिलते हैं। लेकिन अभी मैं उसके लिए इसमें जाऊंगा नहीं, क्योंकि आज का जो प्रसंग है इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा।
तो बाबा साहब के कुछ खास विचार थे स्पेसिफिक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, और वो विचारों का परिचय हमें उर्गेन संरक्षित जी ने करके दिया है, और उनके एक ज्येष्ठ शिष्य धम्माचारी लोकमित्र जी जब 1977 में दीक्षा भूमि आए थे तो उनके ऊपर उसका विशेष परिणाम हो गया, और उन्होंने भारत में रहकर धम्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान देने का निर्णय लिया है, और तब से अब तक लगभग 45 से भी ज़्यादा साल से वो अथक धम्म प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं, और केवल महाराष्ट्र में ही नहीं तो भारत के अलग अलग राज्यों में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के केंद्र स्थापित हो गए हैं। मैं खुद उनकी प्रेरणा से 1994 में हैदराबाद गया था, उन्होंने अलग अलग जगह पर लोगों को जाने के लिए प्रेरणा दी थी। तो भाई और बहनों, आदरणीय धम्मचारी लोकमित्र जी के बारे में एक बार उर्गेन संरक्षित जी ने उनका परिचय देते हुए कहा था कि लोकमित्र जी संघ में जुड़ने के पहले वो इतिहास के शिक्षक थे, और बंते जी कहते हैं कि लोकमित्र जी ने एक बार मुझे कुछ इतिहास की किताबें भेंट दी, तो लोकमित्र जी के बारे में उनका ये कहना है कि वो इतिहास भली भांति जानते हैं और साथ ही साथ इतिहास का निर्माण करना भी जानते हैं। तो भाई और बहनों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लोकमित्र जी ने पिछले 45 साल से भी ज़्यादा साल में यहाँ पर जो कार्य किया है, एक नया इतिहास रचा है। तो नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये इस विशाल कार्य का एक हिस्सा है, और नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है 2002 से यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कोर्सेज चला रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य चला रहे हैं। तो अभी तक जो है 18 बैचेस हो गई है यहाँ पर जो प्रशिक्षण देते हैं हम उसकी। तो यहाँ पर का जो कार्य है विशेषता तीन प्रकार से देखा जा सकता है। एक जो है कि अलग अलग राज्यों के विद्यार्थियों को हम यहाँ पर बौद्ध धर्म का, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों का, और सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक कार्य का प्रशिक्षण देते हैं। एक साल का कोर्स चलाते हैं जिसका नाम है धम्म सेखिया। तो एक साल के ऐसे जो कोर्सेस है अभी तक हमने यहाँ किया है, और 1550 एल्युमिनीज जो है भारत भर में तैयार हो गए हैं और वो कार्य कर रहे हैं। अभी इस साल हमारे पास 26 विद्यार्थी है इसी प्रकार से अभ्यास करने के लिए, और इसमें से जो बहुत सारे विद्यार्थी है जो यहाँ पर धम्म सेखिया कोर्स किए हैं वो भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर धम्म कार्य कर रहे हैं। उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा, जिसको अशोक धर्मदूता का कार्य कहते हैं। लेकिन मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि इसमें से बहुत सारी जो एल्युमनीज है वो बड़ी बड़े जो शिक्षण संस्था है वहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस है, या महात्मा गांधी हिंदी यूनिवर्सिटी है। ऐसे अलग अलग जगह पर वो अपना रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं। तो उनका जो धार्मिक आचरण के साथ साथ उनका जो एकेडमिक भी जो विकास है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है। इसके अलावा बहुत सारे जो अलुमनीज है वो अलग अलग जगह पर जॉब भी करते हैं और अपना जीवन जो है धम्म के अनुसार जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ जो है 2012 से नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने एक ग्रेजुएट कोर्स शुरू किया है, नागपुर राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको एफिलिएशन मिला है, और तब से लेकर अभी तक यहाँ पर जो बुद्धिस्ट स्टडीज़ का कोर्स होता है उसमें BA की डिग्री मिलती है उनको। तो धार्मिक जीवन के साथ साथ उनको एकेडमिक और प्रोफेशनल डिग्री का भी यहाँ व्यवस्था हो गई है। तो इस प्रकार से यह जो ट्रेनिंग का कार्य चल रहा है। भाई और बहनों, आपको पता है कि बाबा साहब आम्बेडकर की बहुत इच्छा थी कि इस प्रकार का ट्रेनिंग सेंटर निर्माण करे। जब वो बर्मा में गए थे 1954 में, तो वहाँ पर उन्होंने बुद्धिस्ट शासना काउंसिल को एक मेमोरेंडम दिया था जिसमें उन्होंने धम्म प्रचार प्रसार के लिए कुछ बातें कही थी। उसमें से एक बात थी कि वो एक ऐसी बुद्धिस्ट सेमिनरी बनाना चाहते हैं जहाँ पर लोगों को वो ट्रेनिंग दे सके। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे बीच में
बर्मा के वेनरेबल आयुपोलो थेरोजी आए हैं, तो ये जो कनेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार का ट्रेनिंग यहाँ पर चल रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जब कुछ कैलेमिटीज आती है तो रिलीफ वर्क भी होता है। तो अभी कोविड 19 के समय में यहाँ पर जो एल्यूमनीज है अलग अलग जगह पर, तो उन्होंने बहुत बड़ा रिलीफ वर्क किया है। तो 19 राज्यों में भारत के उन्होंने लोगों को जो है बहुत मदद की है, जैसे वो फूड पैकेट्स देना है या ऑक्सीजन के मशीन्स देना है वगैरह। तो लगभग 69 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने काम किया है और 13,073 फैमिलीज़ को प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने मदद की है। तो और उसके जो लाभार्थी है टोटल 66,134 है। मैं हमारी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर डेटा रखा है। तो ये जो काम है ये यहाँ से ट्रेनिंग करके गए हुए जो हमारे अलुमनी विद्यार्थी है उन्होंने ही ये किया है। तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा मानवीय ऐसा काम है। तो इसी के साथ साथ हम अलग अलग प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस यहाँ अरेंज करते हैं बौद्ध धर्म के ऊपर में चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए। तो नियमित तौर पर यहाँ पर अलग अलग प्रकार की कॉन्फ्रेंस हर साल होती है और उसमें दुनिया भर के जो बौद्ध विद्वान है या जो बौद्ध डिग्निटरीज है, बौद्ध भिक्खु है या ऐसे व्यक्ति यहाँ आते रहते हैं। जैसे कि कई साल पहले यहाँ पर हिज होलीनेस दलाई लामा जी आए थे और जैसे लेट मास्टर थिक नाथ हन ये भी आए थे। इसके अलावा बहुत सारे मैं नाम ले सकता हूँ। तो ये यहाँ पर आकर इस क्षेत्र में और पिछले मतलब कोरोना के पहले वेनरेबल भिक्खु बोधि आए थे। तो वेनरेबल भिक्खु बोधि जो है उन्होंने पाली टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया है बहुत आधुनिक तरीके से, तो उनका बहुत बड़ा नाम है पश्चिम में, खास करके उनको मानने वाला एक विशेष वर्ग है। तो इसके अलावा यहाँ पर और भी कार्य चलता है, मतलब यहाँ बहुत सारे कार्य चलता है, लेकिन मैं जो हाईलाइट है वो आपको बता रहा हूँ क्योंकि समय की भी पाबंदी है। तो अगला जो कार्य है वो है जो बौद्ध धर्म के क्षेत्र में दुनिया में जो लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे ऐसा कहना उतना उचित नहीं है, लेकिन जो रिमार्केबल वर्क है जिन्होंने एक मतलब अपना एक इतिहास पर एक छाप छोड़ दी है, ऐसे लोगों को नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से उनका सम्मान किया जाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर प्रबुद्ध भारत शांति पुरस्कार ये स्थापित हो गया है और ये इस साल वेनरेबल आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई बंते जी इनको घोषित हो गया है। साथ ही साथ डॉक्टर आह साड़ुंके सर उनको भी ये अभी मिलने वाला है। तो ये जो दोनों भी व्यक्तित्व है इनके बारे में तो हमारे डायरेक्टर कहेंगे ही, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जैसे लोकमित्र जी पिछले 45 से भी ज़्यादा साल से भारत में कार्य कर रहे हैं, वैसे ही बनते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई ये जापान से आए हैं और उन्होंने नागपुर अपना घर बना लिया है, यहाँ पर वो कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है बौद्ध धर्म के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है, योगदान किया है। उन्होंने मनसर है, सिरपुर है, वहाँ का उत्खनन किया है अपने पैसे से। इसके बारे में तो दूसरे लोग बताएंगे इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये डॉक्टर अंबेडकर प्रबुद्ध भारत शांति पुरस्कार ये एक विशेष मतलब कार्य यहाँ से हो रहा है और आने वाले समय में भी ये पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाएगा। साथ ही साथ जहाँ इस विहार में हम खड़े हैं यहाँ पर हर संडे के दिन, हर इतवार के दिन विशेष धम्म वर्ग होता है, उसमें प्रवचन होता है, पूजा होती है। बाबा साहब की इच्छा थी कि हर शहर में बड़े बड़े बुद्ध विहार हो, सुंदर बुद्ध विहार हो, तो यहाँ हर संडे के दिन सुबह 9 से 11 के बीच में इस प्रकार का कार्य चलता है। इसके अलावा यहाँ अलग अलग प्रकार के शिविर होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, रिट्रीट्स होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ चलती है, लेकिन ये जो मुख्य जो बातें हैं मैं आपके सामने रखा हूँ। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी टीम में से किसी को भी मिल सकते हैं या आप खुद स्वयं आके इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर जो चलने वाले कार्य है उसमें आप सभी को मैं निमंत्रित करता हूँ।
और ये जो प्रास्ताविक करने के लिए मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आदरणीय धर्माचार्य मैत्रनाथ जी उनको धन्यवाद देता हूँ और आपकी मैं रजा लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद मणिधम्मा जी, उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में ये बड़े काम का ब्यौरा दिया है। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा और उसकी खास वजह यह है कि लोकमित्र जी और मैं स्वयं इतवार के दिन हम वर्धा गए थे, वहाँ कोई अपना त्रिरत्न का समारंभ नहीं था। मुझे खुशी हुई कि यहाँ हमारे प्राध्यापक डॉक्टर चंदू मस्के सर भी उस समारोह में थे और एक अनुभव हुआ मुझे कि नागलोक के परिसर में जो मेरा तजुर्बा या मेरा जो प्रस्पेक्टिव था, नजरिया अपने छात्रों का देखने का, लेकिन जब मैंने नालंदा में उन्हीं छात्रों को देखा तो उनको देखकर मेरा जो नजरिया ही बदल गया और उनके बारे में मुझे जितना गर्व महसूस होता था वो मुझे और बढ़ गया कि यहाँ हम उनको एक अलग दृष्टि से देखते हैं। और उसकी ये वजह थी कि वो जो नालंदा का समारोह था, उस समारोह में लगभग 40-45% हमारी छात्राएं और छात्र छाए हुए थे। तो यहाँ जो तालीम दी जाती है, उस तालीम का जो असर हमने दूसरी जगह जाकर अपने आंखों से देखा, तो मानो एक तरह से हम जो कर रहे हैं उस पर का हमारा जो विश्वास था वो और बढ़ गया और लगता है कि इस काम को और तेजी से करना चाहिए। इसमें एक विशेषता है, जैसे मणिधम्मन ने बताया, लेकिन हमारे बहुत सारे जो छात्र है वो JNU में पढ़ते हैं, TIS में पढ़ते हैं, TIS मुंबई हो, TIS तुलजापुर हो, TIS गुवाहाटी हो। कुछ छात्र जो है, हमारी एक छात्रा जो ओडिशा से है वो ऑस्ट्रेलिया में PhD कर रही है। हमने 5 छात्र को थाईलैंड भेजा था, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, 5ों ने बड़ी सफलता से अपनी मास्टर डिग्री पूरी की और उसमें से हमारी 2 छात्राएं अभी वहां PhD कर रही है। आज की तारीख में हमारे 8 छात्र ताइवान में होंगशी यूनिवर्सिटी में अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख रहे हैं और कुछ छात्र जो है वो प्रतीक्षा में है। तो ये जो नागलोक की जो छात्रों की जो एक उपलब्धियां है वो निश्चित ही बड़ी हमारे लिए प्रेरणादायी है। और उसकी एक 2 बातें हम देखते हैं कि नागलोक का जो दूसरा यानी सिस्टर कंसर्न है, मानुष की, जम्बूदीपा और नागलोक, यहां अगर आज आप देखोगे और इससे जो संबंधित जो जुड़े हुए काम है उसमें ज्यादा से ज्यादा काम में हमारे स्वयं भूतपूर्व छात्र सहभागी है। नागलोक का जो कॉलेज और कॉलेज का जो विभाग है, छात्रावास है, वो नागलोक के पूर्व छात्र चलाते हैं। आज मानुष की में जो मुख्य कार्य है वो हमारे एल्यूमिनी चलाते हैं। जम्बूद्वीप में हमारी महत्वपूर्ण 2 एल्यूमिनिया महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही है। उसका जो धम्मदूत प्रोजेक्ट है उसकी जिम्मेदारी 40% ज्यादा हमारी एल्यूमिनिया कर रही है। तो ये मैं कहूंगा कि नागलोक की एक विशेष उपलब्धिया है। इसके पश्चात मैं बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ पर अपने जो यहाँ उपस्थित मेहमान है उनका परिचय करके देने वाला हूँ। उसमें से आधी जिम्मेदारी मैं भाई मैत्रीवीर की तरफ सौंपने वाला हूँ और जितना हो सके उतना मैं करूँगा, क्योंकि इसके बाद जो अवार्ड देने वाले हैं उसकी जानकारी और 2 अवार्डी का जो परिचय है बंते जी और डॉक्टर साळुंके सर, वो स्वयं मैत्रीवीर जी करेंगे। यहाँ पर मैं केवल डॉक्टर विमल जी थोरात, इनके बारे में कुछ कहने की चेष्टा करने वाला हूँ, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा नाम है, नवाजी हुई व्यक्तित्व है। उनका जो काम है अपने क्षेत्र में वो बहुत बड़ा है। वो स्वयं एक हिंदी वांग्मय हिंदी भाषा की प्राध्यापिका रह चुकी है इग्नू में,
एनसीडीएच की राष्ट्रीय संयोजक है और मैं उनके बारे में ये कहकर ये नहीं कहना चाहता उनको कम दिखाना कि वो केवल महिलाओं के क्षेत्र में ज्यादा कार्यरत है, तो मैं कहूंगा कि पूरे अंबेडकरी आंदोलन में विमल जी थोरात, डॉक्टर विमल जी थोरात एक अपने आप में एक बड़ा नाम है और पूरे महिलाओं को एक प्रेरणा स्थान है अपने स्वयं के उदाहरण से। वो जो नाम ही उसमें देखा हो, दलित अस्मिता, ये जो त्रैमासिक निकलता है उसकी संपादिका है, एक जाने मानी वो वक्ता भी है और उसके साथ वो कार्यकर्ता एक्टिविस्ट भी है, तो इनकी कई विशेषता बताई जा सकती है। लेकिन मैं जब घड़ी की तरफ देख रहा हूँ और मुझे थोड़ी थोड़ी विनती आ रही है कि जरा बोलने के लिस्ट में हमारा भी नाम सम्मिलित किया जाए, तो ये पूरा बैलेंस करना जरा कठिन है, इसलिए मैं संक्षिप्त ही बताने वाला हूँ। इनको आपको यानी अपने काम का जो प्रमाण पत्र बोला जाता है उससे राप्तो फाउंडेशन नॉर्वे से पुरस्कार देकर नवाजा गया है। पुणा से सिम्बोसिस से उनको सावित्रीबाई फुले पुरस्कार देकर नवाजा गया है। हिंदी साहित्य अकादमी जो दिल्ली है वहां से भी उनको पुरस्कार देकर नवाजा गया है। वैसे ही सम्यक फाउंडेशन दिल्ली, वहां से भी इनको पुरस्कार देकर नवाजा गया है। और भी कई बातें हैं उनके बारे में, लेकिन समय को मद्देनजर रखते हुए मैं इतना ही कहकर अपने जो दूसरे मेहमान है भंते आयुपाल जी, वो बर्मा से है, वो आए उसी दिन से हम मिले, उनको देखकर मुझे लगा कि शायद ये उम्र में बहुत कम छोटे प्रशिक्षणार्थी करके यहाँ आए हैं, लेकिन उन्होंने प्रामाणिकता से बताया कि मैं तुम्हारे मैत्रीवीर नागार्जुन जी का छात्र हूं। तो भंते जी अपनी जो पढ़ाई है वो हमारे मैत्रीवीर जी के मार्गदर्शन में कर रहे हैं इफ्लू में, उस यूनिवर्सिटी में। लेकिन वो बर्मा जिसको बहुत बड़ी बुद्धिस्ट परंपरा है, और उन्होंने जो बताया कि आज वो दिखने में बड़े ही हमें युवा लग रहे हैं, लेकिन उम्र के 20वें साल में उन्होंने उपसंपदा ली है और आज वो 42 साल के है, वो महाथेरो है। मैत्रीवीर जी ने बताया कि उनका जो त्रिपिटक का अध्ययन है वो माजो मुंह जबानी है, अभिधम्म जो है बोले उनको जवान से जवान पे है, आप उनको पूछो वो आपको बात बता सकते हैं। तो ऐसी व्यक्ति भी आज यहाँ हमारे साथ एक मेहमान के रूप में उपस्थित है, जो नेपाल से आए हुए हमारे दो मेहमान है, मुझे लगता है विनोद जी इससे पहले भी आए हैं और नागलोक से उनका बड़ा लगाव है, वो अपने अपने क्षेत्र में निश्चित ही बहुत बड़ा काम करते हैं, फिर भी जब वो नागपुर आते हैं तो नागलोक में आना, यहाँ के समारोह में सम्मिलित होना और कुछ अपने काम के बारे में कहना, एक उनके लिए विशेषता होती है। अभी रहे लोकमित्र जी, अभी हमने एक बड़ी गलती की, इस बार जब हमने पत्रिका बनाई तो लोकमित्र जी का नाम गेस्ट करके डाला, अभी वो गलती मेरी है इसलिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, उन्होंने मुझे उतना कुछ डांटा भी नहीं, लेकिन वो घर के ही है, अभी उनके बारे में कहूँ तो क्या कहूँ और कहना है तो कितना कहा जाए। मैं एक ही बात आजकल जब देखता हूँ उनके कार्य के बारे में, सभी लोग सराहना करते हैं देखते हैं, हमारी आंखें बताती है कि उन्होंने क्या किया है, हम जब भी अनुभव करते हैं उनके काम के बारे में। लेकिन मैं एक बात उनके जन्मदिन के ऊपर भी बोला कि लगभग मैं उनके वो देखकर या उनको मिलकर 42 साल हुए हैं और मैं 40 साल से उनके साथ काम करते हुए देखता हूं रहता हूं। एक खासियत है उनकी, इस 40 42 50 साल में हम देखते हैं कि इस देश की स्थिति, इस देश का समाजकारण हो, राजकारण हो, धार्मिकता हो, हमारी संगठना बनना टूटना फूटना, लोगों के आपस में झगड़े होना, ये चलते आ रहा है। कभी कभी हम दुख से कहते हैं कि हमारी एक आरपीआई थी, आज हमारे
लगभग कम से कम 54 टुकड़े हुए हैं। लेकिन लोकमित्र की एक विशेषता रही है कि जिस आंदोलन को उन्होंने 1978 में बंते जी की प्रेरणा से जन्म दिया है, उन्होंने इकट्ठा बरकरार करके रखा। एक धार्मिक आंदोलन 40-42 साल एक साथ रहना, अभी मैं ये नहीं दावा करता हूं कि हमारे अंदर की बातें सभी आसान है, सभी दिल खुलास है, ऐसा कुछ नहीं है। मन मत विचार का भेद है, मनमुटाव भी है, लेकिन मतभेद नहीं है। होते भी है तो धार्मिकता से हम उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं और उसकी जो वैल्यूज है, जो मूल्य है, वो सिखाने की उनकी जो पहले 20 साल की तालीम रही है 79 to 99, ये आंदोलन के अगर आप पहले 20 साल पर कोई रिसर्च करें, संशोधन करें और उनकी कार्य पद्धति को देखें, तो उन्होंने जो वैल्यूज दिए, जो बातें हमें पढ़ाई सिखाई, मुझे लगता है उसके बलबूते पर ये जो त्रिरत्न का जो इतना बड़ा पेड़ आज खड़ा है, ये उनकी खासियत है। तो मैं उनके बारे में इतना ही कहकर इसके पश्चात यहाँ पर मैत्रीवीर जी को निमंत्रित करता हूँ, वो अवार्ड के बारे में बताएं, जिन दोनों को हमने ये जाहिर किया है उनका परिचय भी करें और वो अवार्ड जो है उसके बाद हम प्रदान करेंगे। मैत्रीवीर जी, आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू मैत्रीनाथ, बहुत खुशी हुई आज के दिन इस अवार्ड के बारे में कुछ बातें मैं बताऊंगा और जिन लोगों को हम यह अवार्ड इस साल दे रहे हैं मैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। लेकिन उन्हीं के साथ साथ हमारे बीच आयुष्मान अनिल कोल्लभ जी भी है हमारे बीच बैठे हुए, वे उनका हल्का सा परिचय भी मैं देना चाहूँगा। वो अभी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के डायरेक्टर है और बहुत ही स्ट्रगलफुल जो जीवन है उस जीवन से उन्होंने यह हासिलियत की है अपने जीवन में। कुछ कुछ बातें यह धम्म क्रांति के जो रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स काफ़ी छूने वाले होते हैं। उनके पिताजी एक लाइनमैन थे लेकिन आज वो उसी बोर्ड के डायरेक्टर है पूरे महाराष्ट्र के। तो मुझे लगता है ऐसे कई उदाहरण हमारे समाज में हमें मिलते हैं कि बहुत ही क्या कहते कि परिस्थिति भले कितनी भी कठिन हो लेकिन बाबा साहब की प्रेरणा से यह धम्म क्रांति के जो फूल है इन दिनों में हमें खिलते हुए खुशबू बिखराते हुए नज़र आते हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम सर ऑन द डायस। भाई और बहनों, पिछले कई वर्षों से त्रिरत्न बौद्ध महासंघ और नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपने सभी बड़े और छोटे केंद्रों के साथ साथ संस्थाओं के साथ साथ पूरे भारत में और दुनिया में बौद्ध धर्म को प्रसार और प्रचार करने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी हद तक कामयाबी से यह सारे जो अनुयायी है वह बाबा साहब के अनुयायी काम कर रहे हैं। लेकिन 2019 से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई या उनको जो नवाजना जिसे कहते हैं उनका जो सेक्रीफाइस है उनकी जीवन की जो मूल्य है और उनका जो क्या कहते कि कंट्रीब्यूशन जो योगदान जो है उस योगदान के लिए उनको सराहने के लिए उनके साथ साथ उनके जीवन के साथ साथ आने वाले के लिए ऐसे कुछ विशेष व्यक्तियों को जो बाबा साहब के अनुयायी है बौद्ध धर्म को मानते हैं या फिर बाबा साहब के अनुयायी नहीं है या फिर वो अबौद्ध भी है लेकिन कम से कम बाबा साहब के दृष्टि को और उनके मूल्यों को बाबा साहब और बौद्ध धर्म के मूल्यों के साथ साथ चलने वाले हैं
उन लोगों को नवाजने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनका पुण्यानुमोदन करने के लिए हमने एक कल्पना 2019 में लाई नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। उसे प्रबुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रबुद्ध भारत पीस अवार्ड हम कहते हैं, और यह अवार्ड हम उन लोगों को देते हैं जिन लोगों ने, जैसा कि मैंने बताया, पूरे जीवन में अपना योगदान एक मानवता के लिए किया हो। वो ज़रूरी नहीं है बाबा साहब के डायरेक्ट फॉलोअर हो सकता है वो बाबा साहब के ग्रेट अप्रिशिएटर्स हो, जरूरी नहीं वो बौद्ध हो, लेकिन वो बौद्ध मूल्यों से जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के लिए काम करते हो, उनको हम इस नाम से नवाजना चाहते हैं, उनको एक्नोलेज करना चाहते हैं, उनको इंक्लूड करना चाहते हैं। वो जो ह्यूमन सॉलिडरिटी जिसे हम कहते हैं, मानवीय एकता के लिए जो काम कर रहे हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, रादर फाइटिंग अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अराउंड द वर्ल्ड, उन सब लोगों को नवाजने का यह अवार्ड काम करता है। 2019 में इसी पटांगन में एक बहुत बड़ा भव्य ऐसा कार्यक्रम हुआ था, पैंडेमिक के पहले, महामारी के पहले, वहाँ पे हमने आयुष्मान काशी कृष्णा जी को यह हमने अवार्ड दिया था, वो यहाँ थे। दुर्भाग्य से कैंसर के कारण अभी वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका योगदान बाबा साहब के आंदोलन को दलित पैंथर से लेके 70 के दशक से लेके 2019 तक उन्होंने अविरत वह कार्य किया है। उसके पश्चात हमने उसी साल मल्लेपल्ली लक्ष्मिया जी, जिन्होंने दलित सप्लान को एक आंदोलन बनाकर उसको कायदे में तब्दील किया तेलंगाना स्टेट में, वे बुद्धवनम प्रोजेक्ट के एक स्पेशल ऑफिसर है, उन्हीं के यानी प्रयासों से एक विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध पर्यटक स्थल तेलंगाना स्टेट में, जहां नागार्जुन स्वयं रुके थे, जहां प्रज्ञा पारमिता सूत्र उन्होंने लिखा, वहां पे एक बहुत बड़ा वास्तु या एक क्या कह सकते हैं कि पवित्र स्थल उन्होंने निर्माण किया तेलंगाना गवर्नमेंट की मदद से, तो उनको हमने यह अवार्ड दिया। वे स्वयं भी सेंटर फॉर दलित स्टडीज़ एक बहुत बड़ा आंदोलन या इंस्टीट्यूट चलाते हैं। उसके पश्चात प्रोफेसर एस के थोरात, जो देश के एक बहुत उच्च अर्थशास्त्रज्ञ है, बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट है, नाउ ही इज़ अ प्रोफेसर इमेरिटस टू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड ही इज़ ऑल्सो फाउंडर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज़। तो मुझे लगता है भारत में इतना गहन अभ्यास करने के लिए, रिसर्च करने के लिए कि आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है, सोशल इंडिकेटर्स क्या है, आपके समाज में क्या हो रहा है, उनकी पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, कैसी छात्र और छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाए, रात दिन मेहनत करके सर ने बहुत सारा योगदान समाज को किया है एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना करके, अपने लिखान से, अपने व्याख्यानों से और भी अन्य आंदोलनों से। तो हमने प्रोफेसर एस के थोरात सर को यह अवार्ड 2019 में दिया था, और उसके पश्चात डॉक्टर राजशेखर उंडरू, जो बहुत अच्छे लेखक भी है, एक वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, उनको हमने यह अवार्ड दिया था। 2020 में कोरोना की महामारी के कारण हम यह अवार्ड दे नहीं पाए, क्योंकि सारी दुनिया थोड़ी सी थम गई थी, रुक गई थी, लेकिन 2021 में, जैसे कि मणिधम्मा ने जिक्र किया था, वेनरेबल भिक्कु बोधी, जिनके ट्रांसलेशन के सिवाय कोई भी बुद्धिस्ट स्टडीज़ का डिपार्टमेंट दुनिया के यूनिवर्सिटी में पूरा नहीं हो सकता, उनका जो काम है लिटरेचर में, ट्रांसलेशन में, और उसके साथ साथ जब वे बाबा साहब के आंदोलन के संपर्क में आए तो वे स्वयं नागलोक में आए, उन्होंने दो सेमिनार यहाँ दिए, आई डोंट नो इफ यू विजिटेड दापुड़ी और पुणे सेंटर्स, लेकिन वो यहाँ आए और बाबा साहब के बारे में उन्होंने बहुत व्याख्यान सारनाथ में
तिब्बतन हायर इंस्टीट्यूट स्टडीज में, उसके साथ साथ हैदराबाद की महाबोधि सोसाइटी में उन्होंने बाबा साहब का जिक्र ज़रूर किया है। तो इन महान स्कॉलर्स या जो क्या कह सकते हैं कि जो ऐसे महान भिक्षु है, उन भिक्षुओं को हमने इस अवार्ड से नवाजा है। भिक्खु बोधि जी को हमने 2021 में यह अवार्ड दिया, उसके पश्चात गेलामवट जी को जो बाबा साहब और फुले अम्बेडकरी चढ़वड़ में जिन्होंने बहुत सारा योगदान किया है, वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज से भी जुड़ी हुई थी कुछ सालों तक, लेकिन अवार्ड हमने जब डिक्लेयर किया तो उनकी तबीयत काफ़ी खराब हो गई थी, तो भारत पाटनकर जी जो उनके यानी पति है वो यहाँ आके उन्होंने वह अवार्ड स्वीकारा था, तो वो अवार्ड हमने उनको दिया। किम बहन जो ग्लोबल बुद्धिस्ट फाउंडेशन में बहुत सारा अफ्रीका, नेपाल, इंडिया, विशेषतः महिलाओं के लिए वह काम करती है, उनको हमने यह दिया। और उसके साथ साथ जो यलार बाली है, जो भगवान दास जी के ज़माने से उन्होंने स्वयं बाबा साहब के साथ भी काम किया, लेकिन वो तब काफ़ी युवा थे, और उनकी बहुत सारी कहानियाँ बाबा साहब के बारे में प्रचलित है जो वो बताते हैं, लेकिन उनका जो बाबा साहब के या अम्बेडकरी साहित्य में जो उनका योगदान है वो यानी काबिले तारीफ है। तो यलार बाली जी को हमने यह अवार्ड दिया, उन्होंने ऑनलाइन अपना इंटरव्यू भी हमें भेजा था जो हमने ऑनलाइन लास्ट ईयर टेलीकास्ट किया था, और भीम पत्रिका नाम की जो मैगजीन वो चलाते थे तब व्हाट्सएप या ऑनलाइन ऐसे कोई मीडिया नहीं थे, पोस्ट कार्ड से उन्होंने आंदोलन चलाया जो 15 पैसे में मिलता था, वहाँ से जो बाबा साहब के जो बहुत सारे ऐसे दस्तावेज थे, अनपब्लिश लेटर्स थे, अनपब्लिश राइटिंग्स थी, या बुद्ध एंड हिज धम्मा का जो प्रीफेस था वो 57 में पब्लिश हुआ, लेकिन तब वो प्रीफेस छपा नहीं था, वो उनके पास था, उन्होंने उसके बाद अपना जो संस्करण निकाला उस संस्करण में कुछ महत्वपूर्ण बातें बाबा साहब ने कही जो आज ताइवान से जो आपको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में प्रीफेस मिलता है वो वहाँ ट्रांसलेट यानी हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट किया था, वो उन्होंने उनको दिया जो आज आप लोग पढ़ रहे होंगे। कल अगर आप कॉन्फ्रेंसेस में आओगे तो ऐसे कुछ खजीने बाबा साहब के राइटिंग से हमें और भी पेश होंगे, तो वो अवार्ड हमने यलार बाली जी उनको दिया। इस साल नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बेहद खुशी हो रही है, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ को बेहद खुशी हो रही है, सभी इससे जुड़े हुए अम्बेडकरी आंदोलन के जो कार्यकर्ता होंगे, मुझे विश्वास है उन सब लोगों को काफ़ी खुशी हो रही होगी कि इस साल इन दो व्यक्तियों को हमने चुना है जिनको हम यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रबुद्ध भारत पीस अवार्ड हम देने जा रहे हैं। उनका जो पहला नाम है मैं यहाँ अभी डिक्लेयर करना चाहूँगा, डॉक्टर अन्नाभाऊ हरी साळुंखे जी। यह फुले, शाहू महाराज, बाबा साहब और जितने भी श्रमणिक ट्रेडिशन के, या आपको पता होगा भारतीय इतिहास में श्रमणिक और ब्राह्मणिक परंपराएं थी, तो जो नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट्स है, जो नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट ने हायरार्की को क्या कह सकते हैं चैलेंज किया, और वो चैलेंज केवल आंदोलनों से नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको लिटरेचर निर्माण करना पड़ता है, वो संदर्भ देने पड़ते हैं, वो दाखिले देने पड़ते हैं, तो उनको इस साल हम यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रबुद्ध भारत पीस अवार्ड हम देने जा रहे हैं। उनका जन्म खाड़ेवाड़ी सांगली जिला में हुआ, ये बहुत ही यानी क्या कह सकते हैं मराठीत त्याला योगायोग म्हणतात, योगायोगाची गोष्ट आहे, त्यांचा जन्म 14 ऑक्टोबरला झाला, उनका जो जन्म है वो 14 ऑक्टोबर को हुआ, उसी दिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी 1943 में वे पैदा हुए,
वे एक महान लेखक है, बहुत बड़े विचारवंत है, बहुत बहुत ही अकम्प्लिश जिसे कहते हैं, बहुत ही अकम्प्लिश को क्या कहते हैं हम, एक श्रेष्ठ वक्ता है, संस्कृत के वे गाढ़े अभ्यासक है और संस्कृत यानी लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय इसमें वे 2003 तक उन्होंने उस महाविद्यालय का सारा जो संस्कृत का जो डिपार्टमेंट है उसकी उसके हेड वे रहे हैं और फैकल्टी ऑफ डीन्स व शिवाजी विद्यालय के रहे हैं। वे अकेडमिक काउंसिल के भी सदस्य रह चुके हैं। अकेडमिक काउंसिल मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो अकेडमिक काउंसिल के बिना नहीं लिया जा सकता, उसके वे सदस्य रहे हैं। हजार यानी सैकड़ों उनके जो आलेख है, जो आर्टिकल्स है, वह मैगजीन्स में, अलग अलग वृत्तपत्र में या अखबारों में पब्लिश हुए हैं। 1959 से, मीन्स 1959 से जाहिर तरीके से सालुंके सर ने व्याख्यान दिए हैं, लोगों में जाकर उन्होंने एक जागृति लाई है। लेकिन 80 और 81 80 के दशक में सालुंके सर ने कम से कम 80 से 90 हजार किलोमीटर तक का जो फासला है एक साल में अपने व्यान में घूमकर समूचे महाराष्ट्र और शायद महाराष्ट्र के बाहर भी उन्होंने लोगों में जो शाहू महाराज, महात्मा फुले और बाबा साहब का जो चरित्र है या उनका जो साहित्य है या उनके जो विचार है या सावित्रीबाई फुले के जो विचार है उनमें प्रसार प्रचार करने के लिए वह उन्होंने त्याग किया है। 14 अगस्त 2009 में महाराष्ट्र सरकार ने एक कल्चरल कमेटी बनाई थी, एक सांस्कृतिक समिति बनाई थी। उस कल्चरल कमेटी की पॉलिसीज़ क्या हो, उस पॉलिसी के या वो जो समिति थी उस समिति के भी वे अध्यक्ष रहे हैं और उसका जो मसूदा है, उसकी पॉलिसी का जो मेमोरेंडम है उन्होंने वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 2010 में सबमिट भी किया था। उसके साथ साथ उनका जो लिखान है उनके टाइटल से ही आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार का लिखान सालुंके सर ने किया है। मैं केवल कुछ टाइटल्स उसमें से आपके आगे पढ़ूंगा। अंधाराचे बुरुज ढासळतील, अशी तू भेटत रहा, अस्तिक शिरोमणी चारवाक, आता आमच्या धडावर आमचेच डोके असेल, आय कांट ट्रान्सलेट इन इंग्लिश बट सम ऑफ देम आय माइट, प्राईड ऑफ स्वराज उमाजी नायक, एकलव्य एकलव्य शंभूक आणि झलकारीबाई, ऐत्रेय ब्राह्मण एक चिकित्सा, गुढी आणि शंकर पार्वती, गुलामांचा आणि गुलाम करणाऱ्यांचा धर्म एक नसतो, रिलिजन ऑफ ऑपरेसर्स अँड ऑपरेस कांट बी द सेम रिलिजन, दॅट्स वॉट ब्रॉडली वन कॅन से, चांदण्यात भिजायचं राहून जाऊ नये म्हणून, चारवाक दर्शन, बळी राजा ते रवींद्रनाथ, जीवनाची लय वेदनेतच, तुकारामाचा शेतकरी, विद्रोही तुकाराम, अक्सर तुकाराम को ब्राह्मणिक परंपराओं में, संत परंपराओं में समझा गया है। आपको अगर जानकारी नहीं होती, धारकरी और वारकरी ऐसे दो पंथ हुआ करते थे। वार करना मतलब जो इविल प्रैक्टिसेस है उन पे वार करना, वो वारकरी कहलाते थे। धारकरी मतलब एक ब्राह्मणिक परंपरा थी जो वर्ण व्यवस्था को मानती थी लेकिन उसका भी सम्मेलन या अमेलगमेशन सेंट ट्रेडिशन में हुआ है, इसलिए सालुंके सर ने जो टाइटल में ही उनको विद्रोही तुकाराम बोला है। तो यह उनकी सोच है, किसी भी टाइटल के पीछे हमने पढ़ना चाहिए यह सब साहित्य, विद्रोही तुकाराम समीक्षेची समीक्षा, क्योंकि जब उन्होंने यह ग्रंथ लिखा था तो बहुत सारे कटाक्ष सालुंके सर के ऊपर आए थे, तो उसकी समीक्षा भी उनको लिखनी पड़ी। जो लोगों ने उनके ऊपर आघात किया
साहित्यिक आघात किया, उनको जवाब देने के लिए उनको और एक किताब लिखनी पड़ी, संत तुकारामांचे अभंग शतक, तुझा सह तुझा विना, तुळशीचे लग्न एक समीक्षा, धर्म की धर्माच्या पलीकडे, ना गुलाम ना उदाम, परशुराम जोडण्याचे प्रतीक की तोडण्याचे, परिवर्तन शास्त्रही कलाही, पुरंदरेची इतिहासद्रोहावर बखर, बडीवंश बहुजनांसाठी जीवनवादी सुभाषिते, तथागत बुद्ध आणि संत तुकाराम। वेस्टर्न महाराष्ट्र के बुद्धिस्ट केव्ज में आपको पता होगा तुकाराम महाराज जाया करते थे, आपुलाची वाद अपुनाशी, वह बुद्धिस्ट केव्ज से आया हुआ उनका अभंग है, ये गे लॉम्बेट ने सिद्ध किया। और गे लॉम्बेट ने यह भी खोज के निकाला कि संत तुकाराम के अभंगों में बुद्ध अवतार ऐसा शब्द आता है, बुद्ध अवतार उनके अभंगों में शब्द आता है, यानी वो बुद्ध के कितने करीब थे, यह सालुंके सर ने यहाँ एक संशोधन करके बताने की कोशिश की है। बुद्ध स्तोत्र यानी सर्वोत्तम भूमिपत्र गौतम बुद्ध, शिवन सांग के ऊपर भी उन्होंने एक किताब लिखी, उसके एक्नोलेजमेंट में धर्माचार्य रुताश जी का भी उन्होंने जिक्र किया है, वो यहीं बैठे हुए हैं। तो और सर्वोत्तम भूमिपुत्र आक्षेप, कुछ लोगों ने उसके ऊपर टीका की कि बुद्ध का उन्होंने सही से न्याय नहीं किया, तो उसके लिए भी सर को किताब लिखकर वो केवल बैठे नहीं, लोगों में जाकर उन्होंने व्याख्यान देकर संवाद देकर उन्होंने उसे हमेशा ही जवाब दिए हैं। मैं कुछ शुरुआत की लाइनें सर्वोत्तम भूमिपुत्र उससे पढ़ना चाहूंगा कि उनकी शुरुआत ही कैसी है। मराठी जिन लोगों को आती होगी उनको समझ में आएगा कि बुद्ध के प्रति उनका प्यार कितना गहरा है। लहान मुलाला आई विषयी ज्या स्वाभाविक रीति ने उत्कट ओढ आणि माया असते, त्याच स्वाभाविक रीति ने गेली 2500 वर्ष आणि त्या वर्षाहूनही अधिक अब्जावधी लोक गौतम बुद्धाकडे आकृष्ट होत आले आहेत। दिस इज अ ओपनिंग लाइन ऑफ दॅट बुक। तथागताच्या पाठीमागे हजारो योजने चालायची आहे आणि मी तर आता कुठे एकच पाऊल उचललेलं आहे। याने उनकी ये नम्रता है, इतना बड़ा महान स्कॉलर या विद्वान होने के पश्चात उनकी जो नम्रता है, उनके पर्सनल संपर्क में मेरे से जुड़े हुए बहुत सारे मेरे भाई बहन लोग यहाँ है, जब आप उनसे संवाद करोगे तो जस आईच हृदय असते त्या हृदयाशीच ते आपल्याशी हितगुज करतात, त्या भावनेनेच ते इतरांशी बोलतात आणि कुठलाही अहंकार नाही। बुद्धा फेस्टिवलमध्ये ते एकदा आले होते, आता पूर्ण ते काय बोलले ते माझ्या लक्षात नाही, पण एक वाक्य माझ्या लक्षात राहिलं, त्यांचा संदेश हा होता बुद्धांच्या एका मूर्तीला पाहून किंवा एका मुद्रेला पाहून भांडू नका, याने आप आपस में लड़ो मत। तो जब कभी कोई भी व्यक्ति एक ऐसे पड़ाव में आता है, जैसे भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई है या सालुंके सर है, हमेशा ये लोग आंदोलन को आगे कैसा बढ़े यह देखना चाहते हैं। तो यह अवार्ड स्वीकारने के लिए हमारे बीच उनके पुत्र राकेश जी यहाँ आए हुए हैं, उनका स्वागत हमने किया, लेकिन मैं औपचारिक तौर से मैं उनको यहाँ बुलाना चाहूँगा और इस अवार्ड को उनके बिहाफ या उनके उनके द्वारा वो स्वीकारें। और राकेश जी को मैं विनती करूँगा कि आप आगे आए। लोकमित्र बिहाफ ऑफ द इंस्टीट्यूट, आई वुड लाइक हिम टू ऑफर दिस अवार्ड एंड चेयरमैन विवेक रत्न जी।
नमो बुद्धाय। उपस्थित मान्यवर, मी माझे वडील आळस अंक यांच्या वतीने हा पुरस्कार स्वीकारत आहे आणि आपले सर्वांचे धन्यवाद देत आहे। मी पहिल्यांदाच खरं नागपूरला आलो आहे। दरवर्षी यावे असं इच्छा असते, परंतु या भागात मला येता आलं नव्हतं। तर यावेळी मला मी रिलेटेड आहे टी बी एमशी, बरेच माझे मित्र आहेत, कित्येक अशा टी बी एमशी रिलेटेड लोक आहेत की त्यांचं जीवन बदलून गेलं असे पण मित्र आहेत। पण टी बी एमच्या भाज्या सेंटरला पण मी गेलो आहे, पण नागलोकला येण्याचा माझा पहिलाच प्रसंग आहे। मला सर्वांनी आला इथं, वडिलांना सन्मानित केलं, त्याबद्दल धन्यवाद। जय भीम। उनकी तबीयत के कारण सर हमारे बीच आ नहीं पाए, काफ़ी उनकी उम्र अभी है और उनकी जो एनर्जी लेवल है काफ़ी कम है, उसके कारण वो हमारे बीच आ नहीं पाते। इसलिए उनके घर जाकर हमारे कुछ मित्रों ने उनका जो संदेश है इस अवार्ड के प्रति हमें भेजा है। तो सर, वी आर मिसिंग यू हियर, प्लीज़ पास अवर मैसेज कि उनको हम मिस करेंगे, लेकिन उनको हम सुनेंगे जो उन्होंने इस अवार्ड के स्वीकृति के प्रति जो कुछ भी कहा है उसके लिए। उत्तम, प्लीज। आज एक बहुत ही पवित्र दिवस है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने आज के ही दिन तथागत बुद्ध के धम्म का प्रकाश भारतीय लोगों के लिए फिर से एक बार दिखलाया और उनका जीवन बदल डालने का मार्ग दिखाया। आज हम उस दिन का स्मरण कर रहे हैं। ऐसे पवित्र दिवस पर आप लोगों ने मुझे डॉक्टर अंबेडकर प्रबुद्ध पीस अवार्ड दिया है। मैं बड़ी विनम्रता के और कृतज्ञता के साथ इस अवार्ड का स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरे मन में ये भावना पूरी तरह से पक्की है कि ये अवार्ड एक व्यक्तिगत स्वरूप में मुझे नहीं दिया जा रहा है, बल्कि एक भूमिका के लिए, एक विचारधारा के लिए, धम्म के लिए और संविधान के लिए दिया जा रहा है। और एक दृष्टि से इस अवार्ड के कारण गौरव मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि हमारे देश में हजारों जातियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, हर एक प्रदेश में अलग अलग सांस्कृतिक समुच्चय दिखाई देता है, और फिर भी हम सब भारतीय हैं, हम मानवता के विभिन्न अंग हैं, और इसलिए हमें एक दूसरे को समझ लेना चाहिए, एक दूसरे के साथ संवाद रखना चाहिए, एक दूसरे की स्वतंत्रता का आदर करना चाहिए। कितने भी मतभेद हो, कितने भी अलग अलग विचार हो, फिर भी हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए। बुद्ध इसी प्रकार का धम्म का उपदेश करते थे और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संविधान में यही स्वतंत्रता और समता सब लोगों के लिए दी हुई है। तो
ऐसे समाज में हमें काम करना है तो इन सब लोगों के जीवन में किस तरह से प्रकाश लाया जा सकता है, बुद्ध के धम्म का उनके जीवन में कैसे लाभ हो सकता है, इसके लिए बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। और आवश्यकता इस बात की है कि हम सब एकजुट होकर काम करें। अलग अलग संस्थाओं में होते हुए भी हम दो बातों में पूरा विश्वास रखकर काम करें, एक है धम्म और दूसरा है संविधान, और इन दोनों के लिए हमें अपने जीवन में काम करते रहना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जो नागलोक संस्था है, ये संस्था इसी दृष्टि से काम करती है। मेरा इस संस्था के साथ सालों का संबंध है। मैंने बहुत बार नागलोक के अतिथि गृह में वास्तव्य किया है। वहाँ जो छात्र देश भर से धम्म पढ़ने के लिए आते हैं, उनके साथ मैंने संवाद किया है, विचारों की लेन देन की है, उन्हें समझने की कोशिश की है, उनके प्रदेश में धम्म का क्या स्वरूप है, संस्कृति का क्या स्वरूप है, ये जानने की कोशिश की है। और मेरे लिए ये बड़े खुशी की बात रही है कि मुझे वहाँ रहने का आनंद मिला है। आज वहाँ बहुत ही बड़े बड़े विद्वान उपस्थित होंगे, श्रोताओं में भी धम्म जानने वाले लोग होंगे और वक्ताओं में तो होंगे ही होंगे, लेकिन मुझे इस बात का बहुत खेद है कि मैं आज, मेरे स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के कारण मैं वहाँ उपस्थित नहीं रह सका हूँ। मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं वहाँ खुद उपस्थित रहकर इस अवार्ड का स्वीकार करता, लेकिन ये हो नहीं सकता, इसलिए मेरे प्रतिनिधि के रूप में मैं किसी को भेज रहा हूँ और मेरी ओर से वे उनका स्वीकार इस अवार्ड का करेंगे। मुझे आपने इस तरह से गौरवान्वित किया है, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। कभी निश्चित रूप से उनके किताबें और उनका साहित्य हमने पढ़ना चाहिए। एक बार फिर से जोरदार तालियों से हम उनका यानी गौरव करेंगे। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आयु के लिए हम शुभकामनाएं देंगे। और एक एक समुच्चय बौद्ध और आम्बेडकरी जो समाज है वो उनके साथ है। ऐसी शुभकामनाएं देते हुए दूसरे अवार्ड की घोषणा में थोड़ी देर के लिए इसलिए रोकता हूँ क्योंकि भंते जी आने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर से डॉक्टर के पास उनको जाना पड़ा। तो उनको पीए का अभी मुझे कॉल आया, तो जब वो आते तब मैं कोई तो भी स्वीकारने के लिए चाहिए, तो वो भंते जी भी नहीं आ पा रहे उनके साथ होने के कारण। तो जब वो आएंगे तब मैं उनकी घोषणा करूँगा, लेकिन उसके लिए समय ना जाया करते हुए मैं यहाँ हमारे वक्ताओं को अभी आमंत्रित करूँगा कुछ आज के दिवस पर शुभकामनाएँ देने के लिए। तो हमारे बीच अनिल कोलब सर है, मैं उनको विनती करूंगा कि संक्षिप्त में कुछ शब्दों में वो कुछ शुभकामना पर कुछ शब्द बोलकर हमें कुछ शुभेच्छाएं दें। सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय, ऑल डिग्नेटरीज, रिस्पेक्टेड ऑन डायस, माय फ्रेंड्स,
dear brothers and sisters. This is really a great honor to me to present here. Actually, this is the great movement taken up by this organization on worldwide, and I am proud of this movement. I am here to in your function. I am thank you very much and give my best wishes to this great work, this great society, and looking forward again some great moments through this society. Thank you very much. उसके बाद मैं थैंक यू वेरी मच कोलब सर आपके शुभकामनाओं के लिए और आपकी जो मदद होती है सभी समाज के तबकों को आप प्रकाश देते हो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से और उसके साथ साथ आपका संदेश भी लोगों तक जाता है थैंक यू वेरी मच फॉर दैट हमारे बीच बर्मा से आए हुए आयुपला महाथेरो यहाँ पे है वे एक बहुत ही विशिष्ट गुणों से भरे हुए हैं मैं कल सर्वे ऑफ बुद्धिज्म पढ़ रहा था तो कुछ पैराग्राफ मैंने उनको दिखाए तो उन्होंने तुरंत उसके त्रिपिटकों के संदर्भ मुझे बता दिए इतना यानी गहरी जो परित्राण पाठ अपन मनतो वो पाठ होता है उनको त्रिपिटक इट्स अ रिसाइटेशन एंड द ओरल ट्रेडिशन दैट हैज़ बीन कंटिन्यूड सिंस मेनी ईयर्स इन ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट कंट्रीज तो उनके वो गाढ़े अभ्यासक है निश्चित रूप से वो PhD मेरे साथ कर रहे हैं मेरी यूनिवर्सिटी में लेकिन बर्मा से वो है और बर्मा में एक सिद्दीगु यूनिवर्सिटी है सिद्दीगु एक इंस्टीट्यूशन है जो बर्मा में सभी त्रिपिटक और बौद्ध संप्रदायों को या उसके परंपराओं को जीवित रखने के लिए बहुत बड़ा कार्य करता है एक वन ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूट जिसके फाउंडर भदंत ज्ञानेश्वर जी हैं उनके वे शिष्य हैं और उनके देश में जो कठिनाइयां हैं वो आप सब लोगों को पता होगा और जब वे मेरे साथ अभ्यास करना उन्होंने शुरू किया तो त्रिपिटक का ज्ञान होना बौद्ध धर्म के बारे में पता होना अच्छी बात है लेकिन पर्याप्त नहीं है उसका आज अप्लाई कैसे होना चाहिए आज उसका रिलेवेंस क्या है जब वो रिसर्च वर्क में मेरे साथ काम कर रहे थे मैंने उनको निश्चित ही बाबा साहब के बारे में बताया उन्होंने बाबा साहब के बारे में जाना वो पुणे में भी पढ़े कई विहारों में उन्होंने भेंट दी है और जैसे यहाँ के भिक्षु होते उस कल्चर में उन्होंने अपने आप को ढाल दिया है इतना प्रभाव बाबा साहब के धम्म क्रांति का उनके ऊपर है सो आई वुड लाइक टू इन्वाइट आयुपला टू स्पीक फ्यू वर्ड्स ऑन द ओकेजन मुझे लगता है वो अंग्रेजी में बोलेंगे और उनकी इंग्लिश थोड़ी बर्मीज एक्सेंट से है तो आप मोक्षी सारा वुड बी मैनेज तो मैं उनको विनती करता हूँ कि उनका हिंदी में अनुवाद करें नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग आई डोंट नो नो Maybe good afternoon, or because he said only 10 minutes for me. Okay, good afternoon. Sabhi ko shubh prabhat aur shubh dopahar keh rahe ho. So, but also I would like to say, you know, I'm very happy to meet you here because 3 years ago, 2019, I arrived here first time. मुझे आप सबसे मिलके बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पिछली बार 2019 में मैं पहली बार यहाँ पर आया था Because of COVID-19, I cannot come back again. Because of my professor, 3 years long today, I am proud of you. That is why I am very happy to meet you. और 3 साल के बाद मेरे प्रोफेसर की वजह से आज मैं फिर एक बार आपके साथ आ सका हूँ और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ Why? You also not pass away with the COVID-19. Me also not pass away with the COVID-19. So many person. Some person are very rich, a lot of money. They cannot recover from the COVID-19. You are very lucky.
क्योंकि 2019 के बाद बहुत बड़ी आपदा आ चुकी थी और बहुत सारे लोग जो है उसमें बहुत जल्दी जल्दी गुजर चुके हैं। आप लोग बहुत ही सुदैवी है कि उस दौरान आपके ऊपर कोई आपदा नहीं आई या आप मृत्यु नहीं हुई आपकी, आप गुजर नहीं गए। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 66th धम्मा चक्र प्रवर्तन डे। आज हम 66वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मना रहे हैं। Yeah. 66 years ago, Dr. Babasaheb Ambedkar and his follower 500,000 rebirth as a Buddhist and Dishabhumi Nagapu. और 66 साल हो गए बाबा साहब और उनके अनुयायी जो है एक संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ पर खास करके दीक्षा भूमि में नागपुर से। They are those ones who reborn two times in one life. और ये ऐसे लोग हैं जिनका एक ही जीवन में दो बार जन्म हुआ है। Because of two person, now we are Buddhists. We are on the Dhamma path. Yeah, because of the Babasaheb Ambedkar, 500,000 people rebirth again, no? Because of that, we are here as a Buddhist. और क्योंकि ये बाबा साहब की वजह से हुआ कि कई हजारों लोग जो है वो दोबारा बौद्ध के रूप में जो है उन्होंने जन्म लिया है। So this is very important, you know? Very memorial day. So we are celebrating. To honor those person, Babasaheb Ambedkar and his follower, 500,000. और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और उतना ही स्मरणीय दिन है क्योंकि कई लाखों लोगों ने जो है इस दिन धर्म को अपनाया था। Yeah. So how to rebirth as a Buddhist? बौद्ध के रूप में आपका पुनर्जन्म जो है या जन्म जो है वो कैसे होता है? बाबा साहब अंबेडकर बाय टेकिंग पंचशीला एंड तिसरना, द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग नो तिसरना एंड पंचशीला, तो बाबा साहब अंडर द भामी बंडी जी चंद्रा मुनि एंड दिशा भूमि नागपु, तो बाबा साहब ऐसे कहते हैं कि त्रिशरण और पंचशील को ग्रहण करने से जो है आपका बौद्ध के रूप में पुनर्जन्म होता है और ऐसा उन्होंने बनते वो चंद्रमणि के हाथों से ग्रहण करके किया था। So this also important. What is the beginning of the Buddhism? What is the starting point of the Buddhism? The beginning of the Buddhism is Tisarana and Panchasila. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बौद्ध धर्म की जो है शुरुआत कहाँ से होती है, बौद्ध के रूप में आपके जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो त्रिशरण और पंचशील से होती है। Okay, and this way they are rebirth again. और इसी बात को बौद्ध के रूप में फिर से जन्म लेना कहते हैं। So after combating into Buddhist, Babasaheb Ambedkar addressed his people. It's called 22 bows. और फिर जो है लोगों को उद्देश्य करके बाबा साहब ने जो है वो 22 प्रतिज्ञाएं कही। Among this 22 bow, no? Only two, no? Should be done and should not be done. Do and don't. Only two. Maybe number 1 to number 8 is don't, I don't. तो इन 22 प्रतिज्ञाओं का जिक्र इस तरह से कि इसमें दो ही बातें की कही गई है कि ये चीजें करो और ये चीजें मत करो। The Buddha also said, no? Not to do all evil things, akusala kama. Do only good thing, kusala kama. This is the way of the Buddha, Babasaheb Ambedkar practice. और बुद्ध ने भी इसी तरह से उपदेश किया है कि ये नहीं करना है और ये करना है, और क्या करना है तो कुशल कर्म करना है, और यही बाबा साहब का भी उपदेश था। So this 22 bows, not only dhamma, no? It's kankho, vinaya also, vinaya as well. Because we must practice, no? This as a vinaya, disciplinary. As a bhikkhu, no? We have vinaya rules. तो ये 22 प्रतिज्ञाएं केवल प्रतिज्ञाएं नहीं है, तो ये विनय है और एक विनय की भांति जो है हम इसका आचरण करते हैं।
if you believe that Dr. Babasaheb Ambedkar, you should study by heart this 22 book because it's very important, not only Dhamma but also Vinaya. तो अगर आप बाबा साहब के ऊपर श्रद्धा रखते हैं तो आपने बहुत ही गहराई से इन 22 प्रतिज्ञाओं का अभ्यास करना चाहिए क्योंकि ये केवल प्रतिज्ञाएं नहीं है तो ये विनय है. Yeah. So in this sense, Dhamma and Vinaya, good and bad. What is good or what is bad? I want to say out one thing in Pali, you know. Anavijja sukha vibhaga lakkhana. तो धम्मा और में कहा गया है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है और इसी तरह से पाली में भी एक गाथा कही है जो उन्होंने कही जो मैं नहीं बता पाऊंगी. I would like to request you all not to recite 3 times. Anavijja sukha vibhaga lakkhana. Anavijja sukha vibhaga lakkhana. Anavijja sukha vibhaga lakkhana. Okay, I think you got it by heart. Anavijja sukha vibhaga lakkhana means the characteristic of happiness or innocence. Whatever we do, it might be happiness or innocence as a result. So this is kusala kama, goodie. तो इसमें कहा गया है कि चाहे हमारा कर्म जो भी हो लेकिन जो निष्पाप लोग होते हैं शुद्ध लोग होते हैं उनके अच्छे के लिए हो उनके सुख के लिए हो और इसी को कुशल कर्म ऐसा कहते हैं. Before we do something, we have to think this is kusala anavijja sukha vibhaga lakkhana or not. This result is happiness or innocence or not. We must think deeply. तो जब भी हम कुछ कर्म करते हैं तो हमने रुक के सोचना चाहिए कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये लोगों के हितार्थ है या नहीं है ये बिल्कुल हमें सोचना ही है. If you study, you know, this Babasaheb Ambedkar 22 books, you know, and Disabhumi, you may be understand this is kusala vibhaga, you know, this is akusala vibhaga, you may be understand. तो अगर दीक्षाक भूमि में दी हुई इन 22 प्रतिज्ञाओं का आप अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो कर्म आप कर रहे हैं वो कुशल कर्म है और कुछ अकुशल कर्म है कौन सा नहीं है इसको आप पहचान पाएंगे. Because of this 22 bowl by Babasaheb Ambedkar, we are called Dhamma Chaka Podana. Babasaheb Ambedkar start his Dhamma in Disabhumi, Dhamma Chaka Podana. Studying the we or the Dhamma and Disabhumi. So now we are called Dhamma Chaka Pavatana. और इन्हीं प्रतिज्ञाओं के साथ बाबा साहब ने जो है धम्म चक्र का प्रवर्तन किया था और आज जो है हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिन का उत्सव मना रहे हैं. But this was come from the Buddha Vachana, Pali, you know, Dhamma Chaka Pavatana, the Buddha first sermon in Varanasi. The Buddha preached to the 5 bhikkhu pinchavagiya dhamma chakra pavatana sutta. लेकिन ये जो धम्म चक्र है इसका पहला प्रवर्तन जो है बुद्ध ने सारनाथ में किया था जब उन्होंने अपने पहले 5 भिक्षुओं को सिखाया था और उसको धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं. In this dhamma chakra pavatana sutta, now we must know 2 extreme. Number 1 is sensual indulgence, kama sukhalika niyoga. Number 2 is sex modification, atta kilamatha niyoga. और इस धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में हमको दो चीजें जो है वो ध्यान से देखनी है. एक जो है हमारे जो इंद्रिय जन्य जो सुख है उससे हमें परे रहना है और दूसरा है सेल्फ मोडिफिकेशन को क्या कहेंगे अट्टा किलमठा नियोगा आत्मक्लेश जो है उस समय दूर है कामा सुखालिका नियोगा द फर्स्ट वन इज कामा सुखालिका नियोगा अट्टा किलमठा नियोगा टू. तो ये जो है दो चीजें एक इंद्रिय जन्य सुखों की दुनिया में रहना और दूसरा जो है आत्मक्लेशों की दुनिया में रहना. बिफोर द बुद्धा अराउंड द गंगा रिवर सो मेनी साधु जी दे प्रैक्टिस मे बी समथा विपस्सना समथिंग. They believe that by doing sensual indulgence, we can remove all our, what's it called, kilesa.
और बुद्ध के पहले जो है कई लोग जो है आत्मक्लेश की राह पे चलते थे और उनको ऐसा लगता था कि आत्मक्लेश के माध्यम से हम हमारे सारे ही क्लेशों से मुक्ति पा लेंगे. Another gurus, they believe that by doing, by killing, how's it called, self modification ourselves, we can. They believe they can remove their hindrances. और उनको ऐसा लगता था कि इस मार्ग से वो जो है अपनी सारी ही बाधाओं को दूर कर सकते हैं, अपने आप को पीड़ा देके कष्ट कर. So at the time of the Buddha, no, he find out, no, this is too extreme. I already work on this way, but it is not true way. और बुद्ध को ऐसे लगा कि नहीं, ये दोनों ही जो रास्ते हैं इंद्रियजन्य सुख के और आत्मक्लेश पीड़ा के बहुत ही अंतिम छोर के हैं और मैं इसमें नहीं चल सकता. The right way is made a four path mijima paribada atha ariya mega. और एक जो मार्ग है वो मध्यम जो है मार्ग है. If we follow this noble a four path, we will know the four noble truth, dukkha samudaya nirodha mega. It's okay, Emily? Yes. अगर हम इसको जानते हैं तो फिर हम जो है मध्यम मार्ग की जो चार बातें हैं, चार आर्य सत्यों की, उनको जो है हम जान सकेंगे कि दुख है, दुख का कारण है, कारण को नष्ट किया जा सकता है और ये कारण को नष्ट करने का मार्ग है. सो आई विल नॉट एक्सप्लेन इन डिटेल बिकॉज़ यू ऑलरेडी नो, बिकॉज़ यू ऑल एवरी डे यू आर डूइंग विपस्सना नो समाधि समा संकल्प समा वाचा समा कामना समा आजीव समा वायाम समा स्थिति समा समाधि यू ऑलरेडी नो नो अथा मैं गंगा. तो मैं इसको विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि आप जो है रोज ही विपस्सना का अभ्यास करते हो और उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग की सारी जो बातें हैं वो बताई उसमें सम्यक दृष्टि से लेके सम्यक समाधि. अप्ता प्रीचिन दिस दमासका पूर्णा सौटा ओनली वन भंडे कुंतिन्या नो दे पसिको ज्ञाना चक्षु द आई ऑफ द विजडम. और जब इस धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र को कहा गया तो केवल एक ही भंते उसको समझ पाए, उनके प्रत्यक्षु जो है वो खुल गए और उनका नाम था कौंडिन्य. सो अगेन एंड अगेन द बुद्धा प्रीच एक्चुअली आई थिंक 4-5 टाइम इन सारनाथ द बुद्धा प्रीच दिस धम्मचक्र पूर्णा सूत्र. तो बुद्ध ने बारंबार सारनाथ में लगभग 4-5 बार जो है इसी धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र को बार बार सिखाया है. Six day, all bhandi attain the sotapanna, but not arahat, the ultimate. और 5-6 दिन के बाद जो है बाकी सारे जो भिक्षु थे वो भी श्रोतापन्न बन गए, लेकिन अंतिम जो ध्येय या लक्ष्य होता है अर्हत पद प्राप्त करने का वो नहीं कर पाए. You may know on a spiritual level, no? Sotapanna, Sakadaga, Anaga, Arahanta, 4 level. The 5 only get this. Lower level, sotapanna, not the higher level. तो आपको बुद्धत्व प्राप्ति के चार जो स्तर है वो पता होंगे, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहंत. तो ये जो भिक्षु है वो श्रोतापन्न बने थे, अरहंत नहीं बने थे. Why? This fight has the background of Brahminism, Atma. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो भिक्षु थे इनके ऊपर जो है ब्राह्मणवाद के संस्कार थे या वो आत्म में विश्वास रखते थे. So, after 7 days, the Buddha preached the second sutta. It's called Anatta Lakkhana Sutta. और 7 दिन के बाद बुद्ध ने दूसरा सूत्र सिखाया जिसको अनाता लक्षण सूत्र कहा जाता है. This sutta is against the atma in Hinduism, Brahminism. और ये जो सूत्र है उनका जो ब्राह्मणी जो संकल्पना है आत्म की, उस संकल्पना के विरुद्ध शिक्षा देता है. So at the time all bhikkhu attain the higher level arahanta. और उस सूत्र को सीखने के बाद बाकी के सभी भिक्षु जो है उच्चतम स्तर पर यानी कि अरहंत पद को उन्होंने प्राप्त किए. Maybe I have no time, that is why I want to conclude. Actually, I have so many material. तो बहुत सारी बातें बताने के लिए लेकिन उतना समय नहीं है. Yeah. So, Babasa Ambedkar preached his Dhammasaka Purana Sutta in Nagpur, but the Buddha preached
his Damasaka Purana Sutta and Sanat Varanasi. बाबा साहब ने ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जो है वो नागपुर में सिखाया, लेकिन भगवान बुद्ध ने ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र वाराणसी में सारनाथ में सिखाया, सारनाथ में वाराणसी. And those time the Buddha has only 5 disciples, but Baba Sahib Ambedkar is 500,000 disciples, very wonderful. तो उस वक्त बुद्ध के पास केवल 5 ही शिक्षक शिष्य थे, लेकिन बाबा साहब के पास 500,000 शिष्य थे. Okay. The Dhammasaka Bodhana Sutta of Baba Sahib Ambedkar is 22 bowl. You have to study by heart. Baba Sahib ka jo Dhammachakra Pravartan Sutta hai, wo hai 22 pratigyaye aur uska aapko adhyayan karna hai. Yeah, Bodha Dhammasaka Bodhana Sutta is too extreme not to follow that. Atta Ariya Mega to follow that. And Eightfold Noble Truth, Ariya Sicha. और बुद्ध के धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में दो अंतिम छोर के जो वाद है, शाश्वतवाद उच्चेतवाद, वो है और जो है चार आर्य सत्य है, ये करना है और ये नहीं करना है ये. ओके, धन्यवाद, पुनः भेटूया. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी. बहुत ही संक्षिप्त में क्यों ना हो, लेकिन इस अवसर पर आपने बुद्धा और बाबा साहब इनका जो धम्म चक्र प्रवर्तन है वो तुलनात्मक रूप से हमारे सामने रखा. इसके पश्चात में हमारी जो मुख्य अतिथि है डॉक्टर विमल थोरात, उनको अनुरोध करता हूँ कि वो यहाँ आकर हमें शुभकामनाएं और उनके जो विचार है उससे अवगत करें. सबसे पहले मैं महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को वंदन करते हुए आज यहाँ उपस्थित मंच पर उपस्थित राकेश सालुंखे जी, जिन्होंने अभी भी आहा सालुंखे जी का जो अवार्ड है अभी ग्रहण किया है, विनोद पहाड़ी जी जो हमारे नेपाल के बंधु है जिनको हम बहुत समय से जानते हैं, और अर्जुन श्रेष्ठा जी जो नेपाल के संपादक, नई भावना नेपाल की पत्रिका के संपादक है, धर्मचारी लोकमित्र जी, मैत्री नागार्जुन जी, विवेक रत्ना जी और मैत्रेयनाथ जी, और सभागार में बैठे सभी धम्मचारी और धम्मचारिणी जी और छात्र और छात्रा. मुझे खुशी है कि आज इस समारोह में जो धम्म चक्र परिवर्तन दिन का 66 जो धम्मचक्र परिवर्तन दिवस के उपलक्ष पर इस बहुत ही शुभ अवसर पर मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया, और दो बातें आपसे आपके साथ संवाद करने का एक मौका दिया. और धम्मचारी लोकमित्र जी का अभी कुछ दिन पहले ही उनका जन्मदिवस मनाया गया, तो उन्हें फिर से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे लोकमित्र जी, क्योंकि हम उस समय नहीं थे उपस्थित, लेकिन आज हम उपस्थित हैं, तो इस समय पर थोड़ी तालियां तो बजाइए ना. और भंते जी, सुरेश ससाई जी आज हमारे बीच में नहीं आ पाए, इसका मुझे भी बहुत खेद है, वरना उनका आशीर्वाद भी हमें मिलता और उनको हम देख सकते. नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सभी छात्र और छात्राओं को यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है, और विवेक रत्ना जी ने और मैत्रीनाथ ने जो इस इंस्टीट्यूट के बारे में जो बातें बताई हैं, जो इसकी उपलब्धियाँ हैं, जिन छात्रों को आज अनेक बुद्धिस्ट कंट्रीज में और भी दूसरे कंट्रीज में
आज शिक्षण शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धियाँ हासिल करने का जो उन्हें एक अवसर मिला है, अवसर दिया गया है, ये काबिले तारीफ है। और इसका सारा श्रेय लोकमित्र धम्माचारी लोकमित्र जी को जाता है और नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को जाता है। आज मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है और अभी और भी वक्तागण यहाँ हैं, लेकिन चुनिंदा बातों को यहाँ आपके सामने रखने की ज़रूरत है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा लेने से पहले बुद्ध धम्म का, इस्लाम का और क्रिश्चियनिटी का 12 वर्षों तक अध्ययन किया। एक प्रसंग है, जब ये बात उन्होंने 1935 में येवला में इसकी घोषणा की थी कि मैं पैदा ज़रूर हिंदू धर्म में हुआ हूँ, उस पर मेरा बस नहीं था, लेकिन मैं इस धर्म में मरना नहीं चाहता। एक बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़े आने वाले, एक बहुत बड़े विचार दृष्टि का एक बहुत बड़ा उल्लेख था वो। किसी को भी ये ख्याल उस समय नहीं आया होगा कि 14 अक्टूबर 1956 में लगभग 5 लाख लोगों के साथ बाबा साहब बुद्ध धम्म में दीक्षा लेकर हमें बुद्ध धम्म की ओर अग्रसित करते हैं। उससे पहले जब ये बात चल रही थी और अध्ययन कर रहे थे तो उनसे मिलने के लिए लंदन से कुछ फादर लोग, पादरी जो कहते हैं, वो आए, 3 लोग आए थे और उन्होंने बाबा साहब से आग्रह किया कि आपका जो समाज है, जो अछूत है, अनटचेबल्स है, उनके साथ आपको क्रिश्चियन धर्म अपनाना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, मैं विचार करूँगा। इसी दौरान उन्होंने कहा कि आप कौन से बाइबल की बात कर रहे हैं, कौन सी एडिशन की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, उन्होंने कहा नहीं, बाइबल तो एक ही है। बाबा साहब ने जब 4 बाइबल के नाम उनके सामने रखे और उसके एडिशन के वर्ष भी बताएं कि कब और कब छपे हैं, ये बहुत पुरातन, मतलब काफ़ी समय पहले, बहुत, तो वो भावचक हो गए कि बाबा साहब ने इतने सारे बाइबल्स का अध्ययन कब किया होगा। ये एक बहुत बड़े विद्वान और जिसे आज सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है, पूरे विश्व में आज कम से कम 26 यूनिवर्सिटीज़ हैं विदेश में जहाँ पर बाबा साहब का स्टेचू लगाया हुआ है एज अ सिंबल ऑफ नॉलेज। तो उस सिंबल ऑफ नॉलेज ने हमें जो हमारे जीवन में जो परिवर्तन लाने का जो कार्य किया है, वो बुद्ध की उस परंपरा से, बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर, बुद्ध के वचनों से प्रभावित होकर, उस समता, स्वतंत्रता और न्याय और बंधुत्व की जो मूल्य है उसे संग्रहित करके, उसे एक आत्मसात करके आज हमारे सामने हमने जिस धम्म की दीक्षा ली है वो इन सभी मूल्यों को अपने अंदर ग्रहण करता है, आत्मसात करता है और अपने व्यवहार में जब उतारता है, हम जब अपने व्यवहार में इसे उतारते हैं, धम्म का परिहार क्या होता है, धर्म अपनाना और धम्म का प्रचार, इसमें एक ही भावना है कि उस समता, बंधुत्व, मैत्री और स्वतंत्रता को और न्याय की उस मूल्य को हम चारों तरफ फैलाएं। कहीं पर इसमें
हिंसा नहीं है, एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं है। आज जो हम देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष को नफरत की एक आग में झोंक दिया गया है कुछ लोगों की सोच की वजह से। आज अगर वो बुद्ध के मार्ग पर चलेंगे और बाबा साहब के दिए हुए मार्ग पर चलेंगे तो मुझे लगता है वो दिन कभी नहीं आएगा कि हम चाहे कितने ही धर्मों में, चाहे कितने ही धर्मों को हम मानते हो, लेकिन हम एक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक होने के नाते हमारे संविधान ने आज 70 वर्ष तक विश्व एक प्रतिमा है कि इतने विविध देश, विविध भाषा और प्रदेश और धर्म होते हुए भी ये देश एक कैसे, अखंड कैसे, और वो है उसका मूल कारण है संविधान जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। और उसे हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम आज जो यहाँ पर खड़े हैं, आज जो शिक्षित होकर अपनी बात कहने की हिम्मत रखते हैं या हिमाकत करते हैं, वो इन महापुरुषों की बहुत भाग्यशाली, भाग्य पर विश्वास नहीं लेकिन हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है कि हम बुद्ध की परंपरा में परंपरा को आगे बढ़ा रहे और सबको साथ लेकर मैत्री भाव से, बंधु भाव से और करुणा से भरे हुए विचारों से हम आगे बढ़ रहे हैं। और हो सकता है कि बाबा साहब ने जैसे कहा था कि मैं इस देश को बुद्धमय करूंगा, और वो हो सकता है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हिंसा और बहुत ज़्यादा नफरत, बहुत ज़्यादा तिरस्कार एक दूसरे का होने लगता है और अधिकारों को छीना जाता है और बेरोजगारी, अशिक्षा, महंगाई और जीवन की सुरक्षितता का कोई भी हमारे पास कोई आधार नहीं हो तो लोग कहाँ पर जाएंगे? उसी बुद्ध धर्म के शरण में जाएंगे और बाबा साहब के बनाए हुए, उन्होंने लिखे हुए हमारे संविधान को फिर से एक बार अपनाएंगे और इस देश की जो हलचल जो बची हुई है, जो एक बहुत ही बुरे समय से हम गुजर रहे हैं, बहुत बुरा समय है, इस बुरे समय से निकलते हुए बहुत वेदनाएं हो रही है क्योंकि हमने कई वर्षों से इस देश को एक साथ बांधने की और एक देश में समानता, समता लाने की बहुत कोशिशें की है। अगर ये कोशिशें आज अगर नाकामयाब होती है तो निश्चित तौर पर दुख तो होगा ही, बहुत यहाँ पर बहुत चोट लगती है। इन बच्चों को देखकर लगता है कि इनकी पीढ़ी के सामने क्या, कौन सा, कैसा देश होगा, वो कैसी परिस्थितियाँ होगी। आज शिक्षा पर हमारा अधिकार है, शिक्षा हर व्यक्ति का, हर बच्चे का अधिकार है, उच्च शिक्षा तक ये अधिकार है और इसी वजह से एक बहुत बड़े बहुत संख्या में हम लोग शिक्षित हो चुके हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में, और एक अच्छा जीवन जीने की जो इच्छा थी, जो 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 एक बहुत ही अपमानित और
अवहेलना वाला वेदना और दुख देने दुखदाई जो जीवन था उससे निकलकर आज हम बहुत एक ऐसे माहौल में जीने की कोशिश कर रहे हैं जो एक बहुत सुखदाई है। अगर कल को इन बच्चों से अगर उनकी शिक्षा छीन जाती है, क्योंकि वो कोशिशें बहुत पुरजोर तरीके से हो रही है। दो दिन पहले ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो यूजीसी के चेयरमैन हैं इस समय, उनका एक बहुत डरावना पत्र या नोटिफिकेशन सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के पास पहुंचा है, जिसमें ये आदेश दिया गया है कि अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पर, जो कि ग्रांट देती है, सरकारी ग्रांट देती है, ये पब्लिक मनी है, पब्लिक, उसे अब आप इस पर निर्भर नहीं रहे, आप अपना जो है पैसा खुद अर्जित करें और जो कि विद्यार्थियों की फीस से आएगा। और इसके आगे शायद हो सकता है कि आज जो बच्चे SC ST OBC मुस्लिम और महिलाएं या भटके विमुक्त जिन्हें कहा जाता है खानाबदोश, उनके बच्चों को जो मुफ्त एजुकेशन मिल रहा है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने की जो उनकी तमन्ना है, उनके जो सपने हैं, वो चकनाचूर हो सकते हैं, क्योंकि 20 से 25 हज़ार फीस कौन दे सकता है ग्रेजुएशन के लिए। इंजीनियरिंग के लिए यही बच्चों को 40 हज़ार तक की फीस देने की नौबत आ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है इस समय, और वो जो नई शिक्षा नीति इस समय के सरकार द्वारा लाई गई है उसमें ये शामिल है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती का हमें सामना करना है। शिक्षा अगर बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करके अपना रास्ता तय करो, अगर शिक्षा ही हमारे बच्चों के हाथ से छीन जाएगी, मिडिल और लोअर मिडिल क्लास और मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के बच्चों को किसी भी स्कूल और कॉलेज का दरवाज़ा खुला नहीं मिलेगा, वो शिक्षा से वंचित होकर कहाँ जाएंगे, वो मजदूर वर्ग में शामिल हो, और यही आज की स्थिति बता रही है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है, और मैं धर्मचारी लोकमित्र जी से ये आग्रह करूँगी कि जो नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसकी व्यापकता और बढ़ाई जाए, इसे और अधिक व्यापक किया जाए, जिससे कि जो बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे वो यहाँ आकर अपनी जो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन का मार्ग अधिक से अधिक सुकर कर सकते हैं। एक क्योंकि नागलोक का जो काम है, जो कार्य है, वो बहुत व्यापक है, जिसको हमारे सामने भी बताया गया है, और शिक्षा के क्षेत्र में इससे बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि शिक्षा को एक ख़ास तरह से एक विचार, बाबा साहब की फिलॉसफी और बुद्ध के विचारों को नई पीढ़ी, ये जो उभर रही है पीढ़ी, इनके अंदर एक नया दर्शन इनको मिल रहा है, और ये बहुत थोड़े लोगों को मिलता है। मैं एक और बात कहना चाहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे हस्बैंड सुखदेव थोरात, हम दोनों के पास बहुत सारी किताबें हैं,
क्योंकि हम दोनों ही प्रोफेसर, हमारा प्रोफेशन ही वो है कि किताबों के बिना हम जी नहीं सकते, और वही हमारी धरोहर है, संपत्ति है हमारी, सबसे बड़ी संपत्ति उसे ही हमने कमाई है। तो हम चाहते हैं कि वो बहुत संख्या में है, और हमारे घर में कहीं पर भी या दिल्ली की लाइब्रेरी में भी जगह नहीं है। तो लोक मित्र जी से मैं आग्रह करूंगी, विनती करूंगी कि यहाँ की जो लाइब्रेरी है नागलोक की, वहाँ पर उसे उस संग्रह को रखा जाए, ताकि जो छात्र हैं या जो लाइब्रेरी में आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपने ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, उनको उसका फ़ायदा मिले। तो वो हिंदी, इंग्लिश और मराठी, इन तीनों भाषाओं की किताबें हैं। तो मैं समझूं कि आपने हाँ कह दिया लोक मित्र जी, क्योंकि उसके लिए स्पेस चाहिए। इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ स्पेस। यस, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज वी कॉन्टेक्टेड सो मेनी लाइब्रेरीज इन इंडिया, दिल्ली एंड इन अदर सिटीज, इवन नागपुर यूनिवर्सिटी, बट एवरीबडी डिनाइड, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ स्पेस। सो या वी हैव अ लॉट ऑफ कलेक्शन। और एक पत्रिका मैं निकालती हूँ जिसकी मैं एडिटर हूँ, दलित अस्मिता, हिंदी में पत्रिका है वो, त्रैमासिक, जो शायद पिछले दो साल से नहीं निकल पाई कोरोना की वजह से, कोरोना काल में उसे फिर से शुरू कर रही हूँ, और उसकी शुरुआत बाबा साहब के जन्मदिन से शुरू होगी। उससे पहले एक विशेषांक मैं निकालना चाहती हूँ बाबा साहब के पर, और उसका कार्य भी, उसके लिए जो जगह चाहिए मुझे, एक रूम चाहिए, एक टेबल और एक चेयर चाहिए। तो वो मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे नागलोक में उसे मुहैया किया जाए या मुझे दिया जाए वो स्पेस, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। इस समय ये उत्तर भारत में हिंदी में निकलने वाली एकमात्र साहित्य को, दलित साहित्य को समर्पित एक अकेली पत्रिका है, और बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद किया जाता, लोग पसंद करते हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो पिछले दो साल से जब ये पत्रिका नहीं निकल रही है, तो आप सोच सकते हैं कि मुझे कितना दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत ही मैं बहुत चिंतित रहती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे लेखकों के, बहुत अच्छे साहित्यकारों के लेख छपते हैं, कविताएं छपती हैं, कहानियां छपती हैं, और तमाम वैचारिक लेखन उसमें छप रहा है, और अन्य भाषाओं का, केवल हिंदी का नहीं, देश की 17 भाषाओं से अनुवाद करके उस पत्रिका में मैं छापती हूँ। तो एक लंबा काम होता है, और लेकिन इसके लिए बहुत लोग समर्पित हैं, अनुवाद करके भेजते हैं, और इतनी ज़्यादा संख्या होती है उसकी कि मुझे हर महीने एक पत्रिका निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अपनी बात यही ख़त्म करती हूँ, और आप फिर से एक बार धम्म चक्र परिवर्तन दिन की सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम ने अपने पूरे प्रवचन में आज की जो परिस्थिति है उसके बारे में अपनी चिंता या थोड़ा दुख भी बताया, और उन्होंने यही संदेश दिया है कि अगर हम एक समृद्ध भारत देखना चाहते हैं या संसार को देखना चाहते हैं, तो हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक बुद्ध की शिक्षा का आचरण करना है, और दूसरी बात है हमारे संविधान के जो मूल्य है और संविधान को बरकरार रखने के लिए प्रयास करना है। तो और खास करके विशेष मैं आभारी हूँ कि उन्होंने अपना जो पूरा साहित्यिक
खजाना जो है वो नागलोक को देने की जो मनीषा व्यक्त की है, तो उसके ऊपर हमारे चेयरमैन डायरेक्टर लोकमित्र जी जो भी टिप्पणी है करेंगे। तो धन्यवाद के साथ मैं हमारे नेपाल के जो भाई है विनोद पहाड़िया जी, तो उनको भी लगता है कि नेपाल के भाई बहनों की तरफ से वो कुछ यहाँ शुभकामनाएं देना चाहते हैं। मैं विनोद जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी शुभेच्छा यहाँ प्रदान करें। कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय नागार्जुन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब, कार्यक्रम के चीफ गेस्ट डॉक्टर विमला थोराट साहब, मंच में आसीन अतिथि और इस प्रोग्राम में सहभागी हुए प्रियजन, आप सब लोग से, सब लोग के नेपाल की तरफ से मैं जय भीम नेपाल की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मेरा उतना अच्छा हिंदी नहीं है, पहले 2 साल पहले भी हम प्रोग्राम में सहभागी हुआ था, हिंदी सीखने के प्रैक्टिस में है, उतना अच्छा हिंदी नहीं है, तब भी आप मैं हिंदी में थोड़ा बोलने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर संतोष ने हमको नागार्जुन प्रतिष्ठान से जोड़ा, मैं डॉक्टर संतोष को नेपाल के तरफ से, नेपाल में रहे हुए अम्बेडकर वादियों के तरफ से उनको सल्यूट करता हूँ। उनके आमंत्रण से हम आपसे मिल पाए हैं, हम नेपाल भारत का पड़ोसी है, वहाँ पे नेपाल और भारत का रोटी और बेटी चलता है। नेपाल में बहुत बाहर डॉक्टर विमला थोराट साहब पहुँचे हैं, आंदोलन में उनसे हम भी जुटे हुए हैं, उनका स्पीच हमने सुन लिया, वो शिक्षा में केंद्रित है। नेपाल का शासक और भारत के शासक इतना पब्लिक से गद्दारी किया कि भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के बल में आज से 70 साल पहले आरक्षण लागू हो गया है। नेपाल में सिर्फ 5 साल आगे आरक्षण शुरू हुआ है। भारत ने नेपाल का नून और तेल, नून और सुन निर्यात किया और आरक्षण व्यवस्था निर्यात नहीं किया, सारा चीज निर्यात किया नेपाल के लिए, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव का विचार निर्यात नहीं किया। हम पहले साल भी बोले थे, इस बार भी आपसे प्रतिबद्धता करता हूं कि हम विचार ले जाने के लिए यहाँ आए, बाबा साहब को ले जाने के लिए यहाँ आए, और जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है लुम्बिनी, वहां पे आपको ले जाने के लिए आए हैं। डॉक्टर संतोष, डॉक्टर मंगेश, मैं उनका नाम लेता हूँ, लक्ष्मण जी वो जो पत्रकार भी है, हैदराबाद रहने वाले हैं, हम मिलके नेपाल में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आंदोलन चला रहे हैं। इसलिए आपसे मिलने के लिए, आपका विचार सुनने के लिए इस वक्त मेरा मित्र नेपाल के रिनाउन जर्नलिस्ट अर्जुन श्रेष्ठ भी हमारे साथ आए हैं। इस वक्त आपसे मिल के जाएंगे, हमने पहले प्रतिबद्धता किया था कि हम नेपाल में 2-3 साल के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब का पूर्ण कद का प्रतिमा लगाएंगे। अभी तक नेपाल में एक भी प्रतिमा नहीं है, अगर दुर्भाग्य है कि कोरोना के वजह से हम विफल हो गए। आपका साथ और सद्भाव और आपका शुभकामना चाहिए, हम 2 साल के अंदर नेपाल में वो परियोजना पूरा करने जा रहे हैं। नेपाल में नागार्जुन इंस्टीट्यूट से निकट होके हम लोग ने अंबेडकर सोशल फाउंडेशन स्थापना किया, मैं उसका अभी चेयरमैन हूँ,
उसमें बहुत सा लोग जुटा हुआ है। हम एक दक्षिण एशिया लेवल का बौद्धिक बस चलाने लग रहा है। बाबा साहेब का जितना भी रचना है वहाँ कलेक्शन करके बुद्ध अंबेडकर सेंटर लाइब्रेरी स्थापना करने के संकल्प किया है। उसी वजह से लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वहीं पे पूर्णकद का तस्वीर रहेगा, प्रतिमा रहेगा, वहीं पर बुद्ध अंबेडकर सेंटर नाम का लाइब्रेरी भी रखने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अभियान में जुटे हुए हैं। आज आपके बीच में इतना विचार रखने के लिए नागार्जुन इंस्टीट्यूट और आप लोग ने जो अवसर हमको दिया, फिर भी हम नेपाल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप सबको एक ही नहीं, नेपाल में सिर्फ 3 करोड़ लोग हैं, नेपाल के पॉपुलेशन सिर्फ 3 करोड़ है। भारत में मेरे इन्फॉर्मेशन से 20 करोड़ से ज़्यादा दलित लोग हैं। नेपाल में सिर्फ 50-60 लाख दलित हैं। हम 2 करोड़ दलित को 1 दशक के अंदर नेपाल ले जाने के लिए विशेष प्रोग्राम बनाने के लिए डॉक्टर साहब से बार बार संतोष डॉक्टर साहब से हम छलफल कर रहे हैं, लक्ष्मण जी से छलफल कर रहे हैं। आप नेपाल जाएंगे तो नेपाल और भारत का रोटी र बेटी का नागरिक संबंध पब्लिक रिलेशन लॉन्ग लाइफ कायम रहेगा। नेपाल में बाबा साहब का विचार अमर रहेगा, इसीलिए हम उस अभियान में जुटे हुए हैं। यही विचार रख के आप सबको फिर अभिवादन करते विदा होंगे। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने जो भी कुछ आपके विचार रखे हैं और जो भी आपकी मनीषा है नेपाल और भारत के संबंधों के बारे में, तो निश्चित ही जितना हो सके हम मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे ऐसी खबर मिली है कि तबीयत खराब होने के बावजूद भी शायद बंदे सुरई ससाई कुछ समय में यहाँ पधारने वाले हैं, तो तब तक का जो समय है मैं मैत्रीवीर जी को अनुरोध करता हूँ कि वो अपने कुछ विचार रखे और नागार्जुन इंस्टीट्यूट तरफ से हम और नवयान स्ट्रस की तरफ से एक विंटर स्कूल शुरू कर रहे हैं, तो उसका जो ओपनिंग है उसकी भी जानकारी मैत्रीवीर जी देंगे। भाई और बहनों, समय काफ़ी हो रहा है मुझे पता है, लेकिन अभी अभी मुझे मैसेज आया, मैं फॉलो कर रहा हूँ। बंती जी की इच्छा है कि वो यहाँ आए और स्वयं ही वो अवार्ड ले, तो 5 मिनट में शायद बंती जी व्हील चेयर पर यहाँ आ सकते। तो इतने साल उन्होंने हमें, हमारे समाज को दिए, इतना संघर्ष उन्होंने किया है, तो ऐसे मौके पर मैं चाहूँगा थोड़ा सा पेशेंस रखे। अगर वो बहुत लेट हो जाते हैं तो हम शायद समापन की ओर बढ़ेंगे। अभी मैं कुछ ज़्यादा समय लूँगा नहीं, लोकमित्र भी संक्षिप्त में कुछ कहेंगे, उस दौरान शायद भंती जी आ सकते हैं, तो हमारे लिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के लिए, नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए और सभी नागपुरवासी और भारत के बाबा साहब और बुद्ध के जो अनुयायी है उनके लिए एक बहुत अच्छा क्षण होगा। तो मैं चाहता हूँ थोड़े से पेशेंस आप रखें। मैं अभी प्रोफेसर विमल थोराज जी और लोकमित्र को मैं अनुरोध करता हूँ, विवेक रत्न भी उनके साथ सम्मिलित हो सकते हैं, कि जो विंटर स्कूल हम लॉन्च कर रहे हैं नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से, हर यूनिवर्सिटी का एक ऐसा कोई स्कूल होता है जिससे बहुत ही ब्राइट छात्र उनको तैयार किया जाता है, वो एक कार्यक्रम अभी जनवरी से हम लॉन्च कर रहे हैं। 3 से 9 जनवरी तक वह स्कूल चलेगा, लेकिन विंटर और समर स्कूल ऐसे 2 स्कूल हमेशा ही यहाँ से ये कार्यक्रम अभी चलाए जाएंगे। टिस के मेरे जो मित्र हैं प्रोफेसर बोधी, उनके कोलैबोरेशन से
उनकी जो चैरिटेबल ट्रस्ट है और नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इनके संलग्न से आगे IIDS भी उनमें सम्मिलित हो सकता है, तो उसका लॉन्चिंग छोटा सा हम यहाँ करने जा रहे हैं। सो आई जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट लोकमित्रा एंड प्रोफेसर विमल थोरा जस्ट टू इनॉग्रेट द विंटर स्कूल प्रोग्राम विच इज़ ऑलरेडी बुकड, विच इज़ ऑलरेडी फुल, लेकिन उसका एक औपचारिक तौर पर मैं चाहता हूँ कि उसका लॉन्चिंग का बैनर यहाँ वो अपने हाथों से खोले। यहाँ पे कोलंबिया, हार्वर्ड, स्टैनफर्ड के प्रोफेसर शाम को टॉक देंगे, कुछ रिसोर्स पर्सन यहाँ पे आएंगे और कुछ चुनिंदा एप्लीकेशंस हम यहाँ लेते हैं जो ऑलरेडी फुल हो चुकी है। तो ऐसा बहुत ही फोकस प्रोग्राम यह नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से चलेगा। तो यह विंटर स्कूल की स्थापना आज के दिन 9 से 14 जनवरी 2023 में यह स्कूल यहाँ चलेगा। सो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस इनिशिएटिव। थैंक यू। मैं लोकमित्र और विवेक रत्न और सभी ट्रस्टियों को, मैनेजमेंट टीम को धन्यवाद देता हूँ इसका सहयोग करने के लिए। एक ऐसी एक सृजक कल्पना का हम यहाँ निर्माण कर रहे हैं या ऑलरेडी जनवरी से यह शुरू होगा। शायद सुरेश ससाई जी आ गए हैं तो मैं रुकूंगा यहाँ पर, पहले उनकी तबीयत के कारण मैं चाहूँगा कि हम सब लोग उनका यहाँ स्वागत करेंगे और उनके पुरस्कार का जो समारोह है मैं आगे बढ़ाऊँगा। बेहद खुशी की बात है भाई और बहनों हमारे बीच, अपने स्वास्थ्य को अभी एक्सरे करके वो आए हैं। सुबह पैरासीटामोल लेके वो सोए थे, डॉक्टर के पास गए, क्लिनिक में गए, उसके बावजूद भी उनका जो यानी जोश है, उनकी जो धम्म के प्रति जो पैशन है हमें दिखती है, वो चेयर में बैठकर यहाँ तक आए। आसान नहीं है ऐसे हालत में यहाँ आना, और ये आज की बात नहीं है, पिछले 44 सालों से भंते जी भारत में बाबा साहब के बौद्ध आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया है। मैं एकदम छोटा सा परिचय उनका दूंगा, उसके पश्चात अवार्ड हम भंते जी को देंगे और कुछ आशीर्वाद पर शब्द भंते जी हमारे लिए कुछ कहेंगे। भंते जी का जो जन्म है वह जापान में हुआ 30 अगस्त 1935 को। अब ये भी योगायोग देखिए इस प्रबुद्ध भारत अवार्ड का कि 14 अक्टूबर को सालुंके सर का जन्म हुआ और 1935 को जो गर्जना बाबा साहब ने की थी उसी वर्ष बाबा भंते जी भी का भी जन्म हुआ। वो उनका जो नाम था ऑर्डिनेशन में वो तेंजित सुरई करके उनका नाम था, जिसका मतलब होता है सूर्य प्रकाश, लाइट ऑफ द सन, या पीक ऑफ ब्यूटीफुल पीक ऑफ द माउंटेन, जो वॉज द फेमस माउंटेन फुजी माउंटेन। हमेशा ही पहाड़ों में या जो ऐसे देश होते हैं हमेशा ही पर्वतों की पूजा या उनका जो पीक है उसको पवित्र माना गया है। ये भी एक बौद्ध परंपरा रही है, इसमें से भी हमें इतिहास समझना होगा। तो शेंगेन स्कूल से वो पहले ऑर्डेन हुए थे। 1955 में
बंते जी ने एक संघ ज्वाइन किया। उसके बाद भारत में वो 1966 में बंते जी भारत में आए और राजगीर में जो पीस पगोड़ा जो बनाया गया उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तब तक उनको बाबा साहब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके पश्चात उनके जो गुरुजी है उन्होंने उनको कहा कि आप नागपुर जाइए, गो टू नागपुर। वो नागपुर आए और नागपुर में वे एक वामनराव गोडबोले जी जो बाबा साहब के बहुत ही करीबी अनुयायी थे, जिन्होंने धम्म क्रांति या कन्वर्जन का जो प्रोग्राम था, धम्म चक्र प्रवर्तन का जो पहला प्रोग्राम था उसको उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, उनके घर में उन्होंने बाबा साहब का पहला फोटो देखा। उस फोटो को देखकर ही उन्हें लगा कि ये एक आधुनिक बुद्ध है या आधुनिक नागार्जुन है, और उनके सपने में ऐसा उनको वो मैसेज आया। इतना बड़ा संपर्क पहले ही बार किसी भंते जी को भारत में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इसके लिए वे काबिले तारीफ है और आपने तालियां बजाना चाहिए। मुझे कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि यहाँ नेपाल से, ताइवान से, जापान से, थाईलैंड से, इंग्लैंड से, अमेरिका से लोग बाबा साहब को नवाजते हैं। सारी दुनिया नागपुर के तरफ देखती है और नागपुर कहीं और देखता है, यह मेरा दुख है। इसलिए नागपुर के लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पण तुमची जवाबदारी मोठी आहे, असंच बाबा साहेब इथे बोलले होते। तो वह सपना भंते सुरेश ससाई जी को यहाँ आया और 1987 में चूंकि उनका वीजा एक्सपायर हो गया था, वो यहाँ ज़्यादा देर रुके तो उनके ऊपर आक्षेप आए, लेकिन चूंकि उनका प्यार भारत के प्रति इतना गहरा था, गवर्नमेंट को उनको यहाँ सिटीजनशिप देनी पड़ी और उन्होंने 55 साल से, मैं कल ही भंते जी को मिला, मैंने कहा भंते जी को कि भंते जी आप जापान कब गए थे, भंते जी ने मुझे कहा मैं 55 साल हो गए जापान छोड़ दिया हूँ, अब यही मेरा जापान है। यहीं पे उन्होंने अपना सारा जीवन दिया। वैसे तो वो 44 सालों से यहाँ है, यहाँ की सिटीजनशिप उन्होंने ली 2003 से 2006 में, वो माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर रहे हैं। तब मैं JNU में पढ़ता था और भंते जी के फ्लैट में जाके बहुत सारे उनके रिपोर्ट्स मैंने हिंदी से या मराठी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए। यहाँ के उत्खनन के बारे में जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स थे, बहुत सारी पुलिस केसेस वहाँ थी, ये सारा दस्तावेज भंते जी को कल्चरल मिनिस्ट्री में देना पड़ता था ये प्रूव करने के लिए कि यह कैसा बौद्ध पवित्र स्थल है। तो अगर आप इतिहास भूलोगे तो आप इतिहास, अगर आप इतिहास भूलोगे तो इतिहास बना नहीं पाओगे। वो इतिहास बंते जी ने आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से और बाबा साहब के आंदोलन से यहाँ उन्होंने बनाया। और रोचक बात बंते जी के बारे में मैं यहाँ बताना चाहूँगा, बंते जी बेसिकली जैन ट्रेडिशन से या उस परंपरा से आए हो, लेकिन यहाँ रुककर एक महायानी कंट्री है जापान वैसे देखा जाए तो, लेकिन यहाँ बंते जी को आप देख पा रहे हो वह भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई, ऐसा उनका नाम है। भदंत या भंते जी के आगे लगता है वो थेरवादी होते हैं, चूँकि उन्होंने ये पहचाना कि यहाँ की जो अनुयायी है, यहाँ के जो उपासक और उपासिकाएँ हैं, और बाबा साहब ने जिस परंपराओं में या जिस तरीके से, परंपरा नहीं कहूँगा, बाबा साहब ने किसी ज्ञान का जिक्र नहीं किया, लेकिन यहाँ भिक्षुओं का मान है, आदर है, या वह संस्कृति यहाँ के उपासकों की है, इसलिए उन्होंने खुद को भी अपने आप को उस रंग में ढाल दिया ताकि यहाँ के उपासकों से वो कम्युनिकेट कर पाए, संवाद कर पाए। मैं जब इंदिरा बुद्ध विहार में उनको मिलने गया था, वहाँ 2000 लोगों का रोज खाना पक रहा है अमित बराबर, और बंते जी वहाँ उनकी व्यवस्था करते हैं, यहाँ के लोकल लोगों तक जाकर यहाँ के विभाजन, यहाँ के डिवाइड्स, यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ का जो
इस मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं भी उस तबके से आया हूँ, मैं भी उसी जाति से आया हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ का कल्चर क्या है। उस कल्चर में एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से कोई आता है और अपने आप को उसमें ढालता है, ये बहुत मुश्किल काम है। लग्जरियस मूवमेंट करना, मिडिल क्लास मूवमेंट करना आसान है, ग्राउंड लेवल पे जाकर लोगों की गरीबी को देखना, उनको पढ़ाने के लिए जापान भेजना, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना, उन वहाँ के जो आदतें हैं उन आदतों को सुधारना, यह सारा जीवन भंती जी ने दिया है। महाबोधि सोसाइटी जो यानी महंतों के हाथ में थी, उस आंदोलन में बाबा साहब भंते जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो महाबोधि मुक्ति आंदोलन में मैं खुद बिहार में कई बार उनके साथ था, और महाराष्ट्र और बिहार में बहुत फ़र्क है। वहाँ के कल्चर सोसाइटी जो जो यानी वहाँ की जो एरोगेंसी है, वहाँ पे जो एक क्या कहते हैं, जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार बहुत सुंदर स्टेट है, लेकिन हर समाज में फ़र्क होता है। वहाँ पे उस जहाँ पे बौद्ध धम्म नहीं है या बाबा साहब के बारे में लोग जानते नहीं है, वहाँ पे भंते जी ने वह आंदोलन बड़े पैमाने पे चलाया। हुसैन सागर हैदराबाद में जब बुद्ध की मूर्ति गिर गई थी, उस हैदराबाद में, तब मैं जब सुन रहा था तो पीपल आर फुल ऑफ हिज प्रेज इन हैदराबाद। तो इतना बड़ा जीवन, आज भंते जी की आयु, उनका स्वास्थ्य देखते हुए जो आज उनमें क्षमता है, जो आज वो यहाँ आ चुके हैं, उससे उनकी एनर्जी पता चलती है। दीक्षा भूमि में बहुत सारे कार्यक्रमों में और उसको ठीक उसको यानी और अच्छा बनाने में भंते जी ने बहुत बड़ा योगदान किया है। आखिरी बात मैं यह कहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, द अकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड माइनॉरिटी कमीशंस, इन सब में भंते जी के संदर्भ, उनके काम के संदर्भ हमें मिलते हैं। उसके साथ साथ भंते जी ने यहाँ पे जाति व्यवस्था के खिलाफ भी बहुत बड़े आंदोलन किए हैं। तो एक ऑथर ने उनको अ मॉन्क फाइटिंग अगेंस्ट द कास्ट ड्रैगन ऐसे बोला है। एक ऐसा ड्रैगन या कास्ट ड्रैगन जो है, वो कास्ट ड्रैगन के खिलाफ जो जीवन दिया है, ऐसा मांग करके एक अमेरिकन स्कॉलर ने भंते जी को पुकारा है। इसका अगर आप एनिलेशन ऑफ कास्ट करीब से आप पढ़ते हो, तो बाबा साहब ने भी यही बात बोला था, वेर एवर यू गो इन दिस कंट्री यू विल फेस द मॉन्स्टर ऑफ कास्ट। तो वो मॉन्स्टर ऑफ कास्ट या जो कास्ट ड्रैगन है, उसके खिलाफ भंते जी ने पूरा जीवन अपना समर्पित किया अहिंसक तरीके से। तो भंते जी आप यहाँ आए, बहुत बड़ा स्वागत है भंते जी आपका नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, और त्रियत्न बौद्ध महासंघ की तरफ से, नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। मैं चाहूँगा लोकमित्र विमल थोरा जी, विवेक रत्न सब लोग यहाँ आए और भंते जी का गौरव करें। डॉक्टर अंबेडकर प्रबुद्ध भारत पीस अवार्ड 2022 देकर अभी तक उनका जो जीवन है उसकी सराहना हम सब लोग करना चाहते हैं, उनके काम को नवाजना चाहते हैं। और जब हम अवार्ड देंगे तो 3 बार साधुवाद करके आप सब लोग भी भंते जी को उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए शुभेच्छाएं दे सकते हैं। Mipungnya, hodinya nasa, bisa yo hodin.
ईदा नौ पुण्या भागा सभा सदाना माता बीटूना आचरियाना विशेषा टो डौडा बाबा सा अम्बी डा सा बाजी मा बाजी मा बाजी मा ఇలాగా తీస్తు ఇకోలు అరబాయ్ ఇలా మే అనేక ఈ ముసీత అంగా ఉన్నే ఆనా చాయే పురస్కార్తో ఎలా ఇతనా आत्मा नहीं है आदमी का आदमी हो गया तो इससे मैं आया एक सरिता निकालना है सब लोग बुला रहा है अच्छा होता बहुत होने का काम है कर तो एग्जाम में इंटरनेशनल उद्दिष्टो सम्मेलन लेकिन बिल्कुल याद नहीं आया कर बिल्कुल याद नहीं आया कर की बात सवेरे से शाम को तक को भी याद नहीं है आज ही डॉक्टरों को बुलाया बिल्कुल सड़े ता निकालना पड़ेगा बार बार बोल रहा है लेकिन पहले नागा लोग के जाऊंगा होना इसलिए मैं हिम्मत अनाकार इलाज आया नागा लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है पूरा भारत से वाची लोगों को एजुकेशन देते नौकरी भी देते बहुत अच्छा काम है इसलिए लोग मित्रा सबको धन्यवाद देता हूँ और तो और लोग मित्र के पीछे पीछे जाते रहा चांस सुनते रहा बहुत अच्छा बोलते और अच्छी नागार्जुना भी है अमेरिकन से आते इंग्लैंड से आते बहुत अच्छा
समाचार दिया है। से मेरा सुनागरों को धन्यवाद देता हूं। अभी गाड़ियों के लड़का लड़की विचार है, अभी आर्थिक में काम है, इसलिए उसको साथ देके नागरों को हमने पूरा भारत में काम कर उद्योग में भी नागरों का है, सन्नाथ में भी नागरों के जगह है, लुम्बिनी में भी नागरों का जगह है, बहुत अच्छा काम मेरा से नहीं होते ऐसा काम इंटरनेशनल माइंड से काम करना बहुत आनंद की बात है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके पीछे पीछे जाके में बड़ा चांस सुनते थे। जी को जाना होगा क्योंकि वो ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे, लेकिन उनके जो बहुत ही करीबी शिष्य अमित जी और प्रवीण मंडे जी, इन दोनों को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही मेहनत से और सुरक्षा से उन्होंने उनको यहाँ लाया और आज यह क्षण एक नागलोक के इतिहास में जरूर जाएगा। उनके जीते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनके अच्छे कार्य के लिए हम सब लोग मंगल कामना करते हैं, हमारे मन में उनके लिए बहुत बड़ी मैत्री रखते हैं और इन दोनों उनके शिष्यों को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। उनके बगैर भंती जी यहाँ नहीं आ पाते थे और तेज दर्शन ने भी काफ़ी मदद की है कि ताकि भंती जी कम से कम 15 मिनट के लिए इस बुद्ध सूर्य विहार में आ पाए। भंती जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी लंबी दीर्घायु के लिए हम सब लोग कामना करते हैं। जय भीम भंती जी। अब कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हम सब लोग हैं। मैं चाहूँगा कि अभी लोकमित्र जी यहाँ आए और हम सबको आज के दिवस में शुभकामनाएं दें। तो बहनों और भाइयों, मैं बहुत ही जल्दी में अपनी बात कहने वाला हूँ। You heard from Mr. Vinod Pardey, and you heard from Venerable Ayyappala about the situation in Burma and Nepal. तो आप सभी ने हमारे वक्ताओं से उनकी बात सुनी है अभी। बाबा साहब had quite a special connection with both countries. बाबा साहब के दोनों ही देशों से बहुत ही नजदीकी संबंध थे। They're very, very different from a Buddhist point of view. और बौद्ध दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो बहुत ही अलग है। Both of them have incredible scope for what Baba Sahib taught. लेकिन दोनों ही देशों में बाबा साहब का जो कार्य है उसके लिए बहुत ही संभावनाएं उपस्थित हैं। Actually, it would be very good to bring out Baba Sahib's own connection with
both countries. और ये भी बहुत अच्छा होगा कि बाबा साहब का इन दोनों देशों से क्या संबंध था वो भी हम उजागर करें. Now, Professor Vimalkura brought out how Baba Sahib is being increasingly appreciated throughout the world. और प्रोफेसर विमल थोरात ने हमें ये बताया कि बाबा साहब को जो है सारी दुनिया ही सराहती है. And that is the case. And that is especially the case since the COVID pandemic. और जब तक कोविड की महामारी आई तब तक वैसा ही था. Because what have we been seeing over the last two or three years? We've been seeing the ugliness of inequality exposed even more. और पिछले दो दिन सालों में हम क्या दे रहे हैं कि समानता की जो गुण है वो और भी ज्यादा लोगों के सामने आ रहे हैं. And we've been seeing the world moving more and more in the away from democracy. और हम ये देख रहे हैं कि लोग जो है प्रजातंत्र से जो है वो बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं. The hero of equality in the world today, the hero of democracy in the world today is Baba Sahib. और जो लोकतंत्र के जो नायक है या समानता के जो नायक है दुनिया में वो बाबा साहब है. At the root of his understanding of equality, at the root of his understanding of democracy was Buddhism. क्योंकि लोकतंत्र या समानता का ये जो समझने का मूल स्रोत था वो बौद्ध धर्म था. To him, Buddhism was the way to bring about equality. Buddhism was the way to bring about true democracy. उनके लिए वास्तविक समानता या प्रजातंत्र लाने का माध्यम जो है वो बौद्ध धर्म था. There's one danger. The Buddhist movement is growing enormously, but there's one danger. लेकिन बौद्ध धर्म जो है दुनिया में बहुत ही तेजी से मृत हो रहा है क्योंकि उसके लिए एक खतरा है. As a movement grows, it can become more complacent, more comfortable. क्योंकि जैसे जैसे कोई आंदोलन बड़ा होता है विस्तार होता है तो वह एक आरामदायक स्थिति में चला जाता है एक स्थान पर वो रुक जाता है. So we lose energy, lose dynamism. और हम ऊर्जा को खो देते हैं और अपनी जो गतिशीलता है उसको हम खो देते हैं. It may be growing in many ways, but still the cutting edge, if we're not careful, can be lost. तो हम बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं लेकिन अगर हम सावधान नहीं होते हैं तो हम अपनी मूल बात को जो है वो खो सकते हैं. So this is where Bhante Surya Sesai comes in. और ऐसी ही जगह पर भंते सुरे ससाई जो है उनकी भूमिका आती है. You know, I first met him here in Nagpur in Anand Vihar in 1981. तो 1981 में यहाँ पे आनंद विहार में हम उनसे पहली बार मिले थे. You know, 41 years later, he's still got the same energy, the same determination. और 41 साल बाद भी उनके पास वही ऊर्जा है और उनका जो निश्चय या प्रतिबद्धता है वो वैसी ही है. So he's a remarkable example to the Ambedkarite and the Buddhist communities. और बौद्ध समाज में जो अंबेडकरवादी लोग हैं उनके लिए वो काफी अद्वितीय है ऐसा उदाहरण है. Now it's very late. I'm going to close here, but just two quick things. तो बहुत देर हो चुकी है लेकिन दो बातें मैं जल्दी जल्दी कहना चाहता हूँ. तो सबसे पहले प्रोफेसर थोरात और उनके पति का बहुत बहुत शुक्रिया. उन्होंने जो किताबें का संग्रह देने की बात की है लोकमित्र उनसे वादा करते हैं कि हम उनको बहुत प्यार से संभालेंगे उनकी देखभाल करेंगे. This to me is one of the most special dawn that we can receive. और आज के दिन एक ये बहुत ही विशेष दान है जो हमें प्राप्त हुआ है. Yeah, because these books, I know them both, and I haven't seen their libraries, but I can imagine what they must be like. मैं दोनों ही को जानता हूँ. मैंने उनकी लाइब्रेरी देखी तो नहीं है लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूँ कि वो किस प्रकार की होगी. And of course we will find a space for your Dali और निश्चित ही हम उसके लिए जो है वो स्थान ढूंढेंगे या स्थान बनाएंगे. Okay, last of all, thank you very, very much for your birthday greetings. और अंत में आपकी जो जन्मदिन की शुभकामनाएं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
जय भीम। बहुत धन्यवाद लोकमित्र जी। अभी मैं हमारे आज के समारोह के विवेक रत्न जी अपना अध्यक्षीय भाषण करेंगे शुभकामना के तौर पर, मैं समझता हूँ। विवेक रत्न जी, कार्यक्रम के संचालक और गणमान्य अतिथिगण, और जिनका हमने सत्कार किया वो विशेष व्यक्ति, और सभी यहाँ उपस्थित श्रोतागण, धम्म भाई और धम्म बहनों, सभी को जय भीम। आज का 66वां धम्म चक्र अनुपवर्तन दिन कहलाता है। मैं इसको भारतवासियों का मुक्ति दिन कहलाता हूँ, क्योंकि ये केवल बाबा साहब ने किसी विशिष्ट जाति को या विशिष्ट लोगों को बौद्ध धर्म से परिचय कराया, उनकी मुक्ति नहीं कराई, इस पूरे भारतवर्ष की मुक्ति कराई है। भारतवर्ष जो है उस वक्त भी पीड़ित था, आज भी पीड़ित है, और वह है जातिवाद से। और बाबा साहब ये समझते थे कि इस देश की सबसे मूल समस्या है जातिवाद और भेदभाव। जिस दिन इस देश से जातिवाद पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, उसी दिन यह देश राष्ट्र बनेगा और वह भारत राष्ट्र बनेगा। सो भारत राष्ट्र बनने के लिए, प्रबुद्ध भारत बनने के लिए बाबा साहब की जो सोच है, जो उन्होंने अपने सोच में ये कहा कि स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, ये जीवन का तत्वज्ञान है, ये उनके जीवन का तत्वज्ञान था। और वो सारे भारतवासियों को आह्वान करते थे कि यह हर भारतवासी के जीवन का तत्वज्ञान होना चाहिए। उन्होंने जो बुद्ध और उन धम्म लिखा, बुद्ध धर्म की व्याख्या जो उन्होंने बुद्ध और उनके धम्म में की, वह उनकी बहुत सीधी साधी व्याख्या है। एक इंसान का दूसरे इंसान से इंसानियत का रिश्ता, ये बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की व्याख्या की है। और इसी व्याख्या को उन्होंने संविधान में परिभाषित किया है, आर्टिकल 15 में। जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा, प्रदेश, किसी भी आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव के साथ पेश न आए, इंसान इंसान के तौर पर पेश आए, ये समानता का तत्व है, मूलभूत समानता का तत्व है। और इस मूलभूत समानता के तत्व के लिए जिस तीन मूल्यों के आधार पर उनका जीवन था, उसी तीन मूल्यों के आधार पर उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की। भारतीय संविधान ये हर भारतीय का विचार होना चाहिए, लेकिन वो विचार जब तक नहीं बनेगा तब तक यह दृढ़ मूल नहीं होगा या हमारे आचरण में नहीं उतरेगा। विचार जब तक हमें पक्के नहीं होंगे तब तक वो भावना में कृति नहीं होती। धर्म ये भावना है, और भावना इंसान को कृति करने पर मजबूर करती है। जो भी आज चल रहा है वो धर्म के तहत चल रहा है। जो भी कोई कृति करता है वो अपने धार्मिक मान्यताओं के तहत कृति करता है। तो जब तक धार्मिक मान्यता नहीं बदलेगी, और वह धर्म होना चाहिए इंसानियत का धर्म, बुद्ध धर्म, जिसके मूलभूत तत्व स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व है, और वह धर्म ही बाबा साहब ने संविधान में कानूनन तौर पर लिखा है। लेकिन यह कानूनन मर्यादा है, इसलिए बाबा साहब ने हमें बुद्ध धर्म दिया कि बुद्ध धर्म की सोच बनाओ, बुद्ध धर्म की शिक्षा में प्रशिक्षित हो जाओ, तो यह इस देश से जातिवाद, भेदभाव और सारा अन्याय, अत्याचार मिट जाएगा। वह प्रबुद्ध भारत की, बाबा साहब की कल्पना हम बड़े संक्षिप्त रूप में इस नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में चला रहे हैं। जीता जागता उदाहरण, यहाँ जो कुछ भी विद्यार्थी आते हैं और 8 महीने रहते हैं, अपने जाति को भूलकर, अपने प्रदेश को भूलकर, भाषा को भूलकर, जिस तरह से यहाँ माहौल तैयार होता है और जिस तरह से वो रहते हैं, तो स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व के तहत कैसा समाज होता है, कैसा जीता जागता समाज होता है, वह हम इस नागार्जुन ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट से और इस नागलोक प्रोजेक्ट के माध्यम से हम पेश करते हैं। जो भी आपको सारी जानकारी मिली है, मैं इतना ही कहूँगा कि बाबा साहब ने ये सारे भारतवासियों को जो मुक्ति दिन दिया, और बड़ी सुंदर बात कही महाथेरो आयुपालो ने, उन्होंने कहा
कि बाबा साहब ने जो पारंपरिक बौद्ध धर्म त्रिशरण पंचशील का, यह हर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है यदि वो ये स्वीकारता है तो, ये पर्याप्त है। लेकिन बाबा साहब ने 2500 साल बाद त्रिशरण पंचशील के साथ साथ 22 प्रतिज्ञा जी जो विनय है, और 22 प्रतिज्ञा में उन्होंने बड़ा अच्छा लिंक बताया कि बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र बताया और अनंत लक्षण सूत्र बताया, जिससे वो पूरी तरह से उस बात से मुक्त हो गया। वही बात बाबा साहब ने 8 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से पुराने धर्म को छोड़ने की कही और बाकी के प्रतिज्ञाओं के माध्यम से बुद्ध के विचार अपनाने को कही। ये जो कॉम्बिनेशन है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र और अनंत लक्षण सूत्र का, ये 22 प्रतिज्ञा है जो उन्होंने विनय के रूप में दिया हमें। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि वह विनय हमें दिया है, और हर बाबा साहब के अनुयायी का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वह ये 22 प्रतिज्ञा का बौद्ध विनय अपने आचरण में लाए और एक अपने आप को जाति विरहित समाज जो प्रबुद्ध भारत का अभिन्न अंग है, उस अंग को उजागर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप इस कार्यक्रम में आए। हर साल हम यहाँ कार्यक्रम लेते हैं, आप यहाँ कार्यक्रम में आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। आपने इस धम्मचक्र प्रवर्तन में सम्मिलित हुए हैं अनुप्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में, तो मैं आपको बहुत बहुत शुभेच्छाएँ देता हूँ, शुभकामनाएँ व्यक्त करता हूँ, और बहुत अच्छी तरह से हम बाबा साहब के इस आंदोलन को हमारे साथ आप भी सहकार्य करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं ये 2 शब्द समाप्त करता हूँ। और आयोजक ने अध्यक्षीय भाषण के लिए परमिशन दी, इसलिए उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ। जय भी। इसके बाद जो खास है, जैसे मणिधम्म जी ने बताया, हर इतवार को, ये जब से बिहार शुरू हुआ है तब से 25 साल हुए, ठंडी हो, बारिश हो, धूप हो, केवल कोविड के समय बंद था, अपना इतवार का वर्ग चालू है, आते रहिए, औरों को लाते रहिए। हर पूर्णिमा के दिन शाम को 6:30 बजे बुद्ध मूर्ति के सामने अपना प्रवचन होता है, अन्य गतिविधियां होती है, कार्यशाला, वनडे शिविर, जिसकी जानकारी आपको आने बाहर के परिसर में भी मिलेगी। मुझे ताज्जुब लगा कि बीमार होने के बावजूद भी सुरई ससाई बनते यहाँ पर आए, तो उनका मैं तहे दिल से यानी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हम सब लोग, वो यहाँ नहीं भी है तो उनके लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। डॉक्टर आह साळुंके नहीं आ सके, लेकिन उनके जो पुत्र थे प्राध्यापक राकेश साळुंके, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बर्मा से उपस्थित हमारे भंते आयुपाल जी है, नेपाल से हमारे भाई विनोद पहाड़ी है, अर्जुन श्रेष्ठा है, यहाँ पर डॉक्टर विमल जी थोरात, कि उन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है, लोकमित्र जी है, हमारे संचालक मैत्रीवीर है, जिन्होंने बहुत ही शांति से अपनी अध्यक्षता की जिम्मेदारी निभाई, वो मेरे परम बंधु विवेक मित्र जी है, मणिधम्मा, मोक्ष सारा, इन सभी के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। और इससे दुगुनी ताली बननी चाहिए वो एलुमिनी नागलोक के स्टूडेंट, त्रिरत्न नागलोक का और नागलोक की टीम, हम जो भी कुछ यहाँ बैठ के अनुभव कर रहे हैं, लेकिन इसे इसके पीछे इन लोगों की कम से कम 1 महीने से ज़्यादा शक्ति लगी हुई है। लेकिन उसमें से मैं नाम लेकर उसमें कुछ भेद नहीं निर्माण करना चाहता, लेकिन मैं उत्तम जी का ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो सब तकनीकी जो बातें हैं उसका आयोजन करना और उसको एक सूत्र में रखने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत उठाई है, तो उनके लिए नागलोक की जो हमेशा की टीम है, एक बार फिर से जोरदार ताली बजाकर हम इस कार्यक्रम की संपन्नता जो है वो धम्म पालन गाथा से करेंगे। तो मैं फिर से, तो हमारे खास करके यवतमाल, हिंगनघाट, वर्धा, अमरावती, चंद्रपुर केंद्र से आए हुए सभी धम्मचारी, धम्मचारिणी, धम्म मित्र, धम्म मैत्रिणी और सभी हमारे हितचिंतक, जो बाहर से दूर दूर आए हुए सभी धम्म भाई बहनों, आप सभी लोगों ने पिछले 4-4.5 घंटे से
बिल्कुल आपकी सहनशीलता की जो बेमिसाल उदाहरण दिखाया है, इसलिए जोरदार तालियां बजाइए, आप सभी का सहृदय धन्यवाद। सब पाप सकरणं कुशल सोपसंपदा सचीत परियोदपनं एतं बुधान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परमि च नतावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो चापम्पि सुत्वान धम्मं काये न पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नाति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन होतु मे जयमङ्गलं नाति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन होतु मे जयमङ्गलं नाति मे शरणं अयं सङ्गो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन होतु मे जयमङ्गलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु। यह कार्यक्रम यही समाप्त हुआ है ऐसा मैं जाहिर करती हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।